हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, जहां पे हमने कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने एक बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक डायरेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वाले सेशन की शुरुआत हमने एक क्विक रिविजन से करी थी, मतलब पहले 12 मिनट्स में हमने पहले के सेशंस में जो जो कवर अप किया था वो हमने पढ़ लिया था, और लास्ट वाले सेशन में हमने सेक्शन नंबर 164 विच टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर पढ़ लिया था। ये वाला सेशन शुरू करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमने लास्ट वाले सेशन का एक क्विक रीकैप ले लेना चाहिए। रीजन भी, अगर हम लोग सक्सीडिंग सेशन में प्रीसीडिंग सेशन का रिवीजन कर लेते हैं तो चीजें हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। तो एक बार फटाक से पढ़ लेते हैं, है ना। 5 मिनट लगेगी रिवाइज करने के लिए, बट देन वो रिवीजन बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। करेक्ट, आ जाइए। हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 164 विच टॉक्स अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टर। पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं दिया गया नहीं है कि एक डायरेक्टर बनने के लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। दैट मींस आपके पास में कोई डिग्री होनी चाहिए या आपके पास में क्या बोलते हैं घर गाड़ी बंगला चाहिए, ऐसा कुछ भी कहीं बोला गया नहीं है। बस इतना बोला गया है कि जब एक पर्सन डायरेक्टर बनता है या उसको डायरेक्टर बनने की इच्छा होती है तो उसके अंदर 4 बातें होनी चाहिए। सबसे पहले तो वो एक जिंदा इंसान होना चाहिए जो बोल सकता है, हंस सकता है, इधर से उधर जा सकता है। दूसरा, उसके पास में नॉलेज होना चाहिए। नाउ हैविंग अ नॉलेज इज नॉट गिवन इन द एक्ट, बट दिस इज द इम्प्लाइड कंडीशन कि भैया आप अगर अपने कंपनी का मैनेजमेंट करने के लिए कोई इंडिविजुअल अपॉइंट कर रहे हो तो उसके पास में रिक्विजाइट नॉलेज होना चाहिए। दैट मींस आप एक इंडिविजुअल होने चाहिए, मतलब इंसान होने चाहिए, आपके पास में नॉलेज होना चाहिए, आपके पास में डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए और आप सेक्शन नंबर 164 में डिसक्वालीफाई नहीं होने चाहिए। वहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू हुआ कि मैम क्या होते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस, कौन से ऐसे कांड करने पे एक इंडिविजुअल इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन द कंपनी। मतलब अगर आपने आपके अपॉइंटमेंट के पहले ऐसे कोई कांड कर दिए तो आप डायरेक्टर बोल के कंपनी में अपॉइंट नहीं होंगे। 2 तरीके के डिस्क्वालिफिकेशंस थे, एक था डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन, दूसरा क्या था, डीम्ड डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कि इनडायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन की मैं अगर बात करूं तो चेहरे पे दिख के आता है कि भैया ये इंसान किसी लायक नहीं है डायरेक्टर बनने का। और डीम्ड डिस्क्वालिफिकेशन मतलब आपको चीजें छानबीन करनी पड़ती है कि ये बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन में सबसे पहली बात अपन ने पढ़ी थी कि अगर वो एक पागल इंसान है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एज डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाई हो जाएगा। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि एक पर्सन अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट है जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो वो भी आपका डायरेक्टर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। कोई भी इंसान जो कोर्ट में कॉन्विक्ट हुआ है फॉर एनी ऑफेंस, वेदर इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और नॉट, डजंट मैटर, कोई भी इंसान जो कोर्ट में कॉन्विक्टेड है, जिसको इम्प्रिजनमेंट मिली है, अगर 6 महीने से ज्यादा की इम्प्रिजनमेंट मिली है तो अगले 5 सालों के लिए आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। लेकिन अगर आपको 7 साल की जेल हुई है तो आप कभी भी डायरेक्टर नहीं बन सकते। फिर उसके बाद में अगर कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर निकाल दिया कि भैया आप डायरेक्टर नहीं बन सकते तो आप डायरेक्टर कभी नहीं बन सकते, यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। अगर कंपनी ने शेयर्स का पैसा बुलवाया है और इस बंदे ने उसका पेमेंट नहीं किया है फॉर 6 मंथ्स, तो ये बंदा डायरेक्टर बनने के लायक का नहीं है। कॉन्विक्टेड फॉर द ऑफेंस विद रिस्पेक्ट टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट बताता है कि अगर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने हैं, नाउ व्हाट इज रिलेटेड पार्टी वगैरह वगैरह, ये सब जब अपन वो टॉपिक पढ़ेंगे तब हम लोग कवर करने वाले हैं। बट मीनवाइल समझ लो कि सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गिव्स अ प्रोविजन रिलेटिंग टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अगर आप वो प्रोविजन फॉलो नहीं करते हो तो माना जाएगा कि आपने क्या किया है, एक ऑफेंस किया है। तो अगर उस ऑफेंस के लिए आप कॉन्विक्ट हो जाते हो, वेदर आपको पेनल्टी लगी है, इंप्रिजनमेंट लगी है, वो अपन देखेंगे, अगर आप कॉन्विक्ट हो जाते हो तो आप कभी भी डायरेक्टर बनने के लायक के नहीं होते हो। उसके पास में अगर डिन नहीं है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अगर वो जितनी लिमिट कंपनीज एक्ट के सेक्शन 165 में स्पेसिफाइड है कि भैया तुम इतने कंपनीज में डायरेक्टर रह सकते हो, अगर वो लिमिट ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है तो ये बंदा नए कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकता। इतनी बातें हमने पढ़ ली थी, इसके ऊपर अपन ने एग्जांपल भी लिए थे। फिर अपन आ गए थे किस पे, डीम्ड डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कि इनडायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन में। अगर एक बंदा है वो एक कंपनी का डायरेक्टर है, मेरी बात को समझना, अगर एक बंदा है वो एक कंपनी में डायरेक्टर है, बंदे ने कुछ
कांड नहीं किया है, कंपनी ने कांड किया है। बंदे ने कोई कांड नहीं किया है, कंपनी ने कांड किया है। बट ये बंदा इस कंपनी का डायरेक्टर था, इसीलिए ये बंदा आगे कहीं पे अपॉइंट होना या इस कंपनी में रीअपॉइंट होना डिजर्व नहीं करता। कौन से दो कांड कंपनी करेगी? एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिपोर्ट फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 इयर्स फाइल नहीं कर रही है। दूसरा, इन्होंने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट, रिडम्पशन ऑफ द डिबेंचर, पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। माइंड वेल, प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड का पेमेंट इन्होंने नहीं किया है। ऐसे समय में डिफॉल्ट किसने किया है? कंपनी ने किया है, लेकिन कंपनी के अंदर का डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड टू बी रीअपॉइंटेड इन द सेम कंपनी। मतलब इसी कंपनी में आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो और दूसरी कंपनी में अपॉइंट भी नहीं हो सकते। क्लियर है? यहां तक हमने पढ़ा था और इसी के साथ हमारा डिस्क्वालिफिकेशन का रिविजन यहाँ पे खत्म होता है। मैंने कहा था कि 5 से 6 मिनट के अंदर अपन ये रिविजन खत्म करेंगे। पूरा का पूरा रिविजन खत्म कर दिया, और ऐसा भी कि भैया फास्ट में किया, एकदम नॉर्मल स्पीड में किया। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन अब आपके माइंड में फिट हो गया होगा, अब अपन इसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, वापस एक बार अपना पेज नंबर 1 खोलिए अपने रजिस्टर का, जहां पे आपने चैप्टर का फ्लो बनाया था। हमारे चैप्टर के फ्लो के हिसाब से हमने सबसे पहले कवर कर लिया था नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन 149। अब आपके पास डायरेक्टर्स होगा, अब आपको क्या करने का है? उनका अपॉइंटमेंट करना है। नंबर अपने को पता चल गया कि भैया अपने को कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। अब उनका अपने को क्या करना है? अपॉइंटमेंट करना है। लेकिन अपॉइंटमेंट करने के पहले बीच में दो चीजें आपको चेक करनी थी। एक तो उसके पास में डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और दूसरा वो क्या नहीं है? डिस्क्वालिफाइड नहीं है। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सेक्शन 153-154 डील करता है, और हमारा डिस्क्वालिफिकेशन सेक्शन 164 डील करता है। आप चाहे तो अपने अपने फ्लो चार्ट्स में ये सेक्शन नंबर्स को मेंशन कर सकते हैं। कमिंग डाउन, अब अपने को पता चल गया कितने डायरेक्टर चाहिए, अपने को पता चल गया कि जिस इंसान को डायरेक्टर बनाना है उसके पास में डिन भी है और वो डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है। तो अब अपन क्या करेंगे? अब अपन करेंगे अपॉइंटमेंट। अपन क्या करने वाले हैं? अपॉइंटमेंट करने वाले हैं। मतलब अब अपन पढ़ने वाले हैं कि भैया डायरेक्टर को अपॉइंट करने की प्रोसीजर क्या होती है, किस तरीके से एक डायरेक्टर एक कंपनी में अपॉइंट होता है। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक बेसिक सवाल है जिसका आप मुझे जवाब देंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। भले ही मुझ तक नहीं पहुंच रहा है आपका जवाब, पर आप अपने मन में दीजिए। मेरा आपसे सवाल है कि डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करने के लिए आते हैं, ठीक है? क्यों आते हैं? क्योंकि ओनर्स मैनेज नहीं कर पाते, इसीलिए ओनर क्या करते हैं? लोगों को रखते हैं। मेरा आपसे बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट करता कौन होगा? जैसे कि एम्प्लॉइज की जो हायरिंग है वो तो डायरेक्टर्स करते होंगे, बिकॉज दे आर इनटू द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, तो वो वही करते होंगे। मेरा आपसे सवाल है कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता होगा? ऑब्वियसली ओनर करते होंगे, ऑब्वियसली ओनर करते होंगे। क्यों? क्योंकि ओनर अपॉइंट कर रहे हैं ना डायरेक्टर्स को, तो ओनर की ही जिम्मेदारी है कि डायरेक्टर का सारा प्रोसीजर अपॉइंटमेंट का है उसको फॉलो करने का, या कौन सा बंदा डायरेक्टर बनेगा कौन सा बंदा डायरेक्टर नहीं बनेगा ये ओनर्स का डिसीजन होना चाहिए। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, अगर ओनर्स को मिलके कोई डिसीजन लेना है तो वो कहाँ पे लेंगे? कुछ नहीं मैम, चाय की टपरी पे बैठेंगे, मस्त बनमस्का लेंगे, चाय लेंगे और डिसीजन ले लेंगे, ऐसा कुछ होगा? नहीं। अगर ओनर्स को डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं तो डिसीजंस लेने होंगे, और अपने को पता है, आपको पता है, इंटर पास करके आप फाइनल तक पहुंचे हो कि जब भी ओनर्स को, जब भी मेंबर्स को कोई डिसीजन लेना होता है तो वो डिसीजन लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग में। वेदर इट इज अ एनुअल जनरल मीटिंग और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, डजंट मैटर। एनुअल जनरल मीटिंग का और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का डिसीजंस के साथ में कोई लेना देना नहीं है। बट देन अगर रेगुलर रूटीन है कि हर साल डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसको रीअपॉइंट करना है तो बात अलग है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। लेकिन अगर अर्जेंट बेसिस पे नया का नया डायरेक्टर अपॉइंट करने का है तो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में भी क्या कर सकते हो? अपॉइंट कर सकते हो। मतलब आपको बात समझ में आ रही है क्या कि डायरेक्टर्स कंपनी में आते किसकी वजह से है? ओनर की वजह से आते हैं, तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ओनर करेगा। अब ओनर को अगर अपॉइंटमेंट करना है तो बाकी ओनर्स के साथ में डिस्कस करना पड़ेगा, बाकी ओनर्स के साथ में मिलके क्या करना पड़ेगा? डिसीजन लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ करने का है तो ओनर क्या करेंगे? ओनर एक मीटिंग लेंगे, और ओनर्स की मीटिंग को, शेयर होल्डर्स की मीटिंग को, मेंबर्स की मीटिंग को अपन क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग। इसीलिए आपको पूरे अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स में ये दिखेगा कि भैया जनरल मीटिंग में डायरेक्टर का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। जनरल मीटिंग में डायरेक्टर का क्या होता है? अपॉइंटमेंट होता है। देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर पेश हो चुका है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर
चैप्टर्स सेक्शन 152। अब यहां से आप बात समझिए, यहां पे हम कम से कम 3 से 4 चीजें अलग अलग पढ़ने वाले हैं। एक अपन पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर डायरेक्टर। रेगुलर डायरेक्टर मतलब, रेगुलर डायरेक्टर मतलब इसके अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है, दिस इज द नॉर्मल डायरेक्टर जो कंपनी को क्या करने वाला है, रन करने वाला है। इसके अंदर आपका वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब आ गया, इसके अंदर तुम्हारा सब आ गया। फिर आ जाते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल अल्टरनेट एंड नॉमिनी डायरेक्टर। अब ये क्या है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स दैट कैन बी अपॉइंटेड इन द कंपनी, दैट कैन बी अपॉइंटेड इन द कंपनी। इसकी अलग प्रोसीजर रहेंगे, इसको अपन बोलेंगे क्लास ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि ये आपके नॉर्मल डायरेक्टर्स नहीं है, दीज आर नॉट योर नॉर्मल डायरेक्टर्स। नाम से समझ में आ रहा है एडिशनल डायरेक्टर, मतलब एक ऐसा डायरेक्टर जो एडिशन में आने वाला है। अल्टरनेट डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जो किसी के अल्टरनेटिव में आने वाला है। नॉमिनी डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जो किसी का नॉमिनी बन के आने वाला है। दीज आर नॉट रेगुलर डायरेक्टर्स। तो मैम ये रेगुलर डायरेक्टर्स के काम भी नहीं करेंगे क्या? काम करेंगे रे, बट व्हेन इट कम्स टू द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, इनकी अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होती है, तो ये अपन देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। छोटे शेयर होल्डर्स है कंपनी के। अब होता क्या है, मैं आपको जब यहां पे आऊंगी तब मैं बताऊंगी। उसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। ये दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी क्या चीज है। अपने लिए ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट, मैं बात कर रही हूँ इंटरेस्टिंग, और ये वाला भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली पूरे चार सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, सॉरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्लियर? यस। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर डायरेक्टर। रेगुलर डायरेक्टर मतलब सादा इंसान जो आपका क्या करने वाला है, मैनेजमेंट करने वाला है, एवरीथिंग। मेरा आपसे सवाल है, कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है, कंपनी काम करने लगती है, तो दैट मींस कंपनी को जिस दिन फॉर्म हो रही है उस दिन से डायरेक्टर्स लगने वाले हैं। अरे भैया, कंपनी को मैनेज करना पहले दिन से काम होता है ना, वो वेदर तुम बिजनेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, 6 महीने का तुम्हारे पास में टाइम स्पेंड होता है कि 6 महीने के अंदर बिजनेस को चालू करो, लेकिन बिजनेस चालू करने के लिए भी तो आपको मैनेजमेंट का टीम लगता है। What do you think? लगता है या नहीं लगता है? That means आपके कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो पहला इंसान डायरेक्टर बनेगा, आप उसको क्या बोलोगे? फर्स्ट डायरेक्टर। That is a very common sense, ma'am. उसको आप क्या बोलोगे? फर्स्ट डायरेक्टर बोलोगे, ठीक है। मैम क्या हुआ ना, हमारे जो ओनर्स थे इनके पास में टाइम ही नहीं था पहले डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। आर्टिकल्स में पूरा प्रोविजन दिया हुआ था मैम कि डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करना है, बिकॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए होते हैं, इंटरनल प्रोसीजर्स दी होती है, एंड अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर इज अ इंटरनल प्रोसीजर। ये आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं आएगा, ये आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आएगा। तो कंपनी है, कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना, कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रॉपर बाकायदा प्रोसीजर दी गई है फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की। बट मैटर ये हुआ मैम कि इनको टाइम ही नहीं मिला फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए। ये तो झोल हो गया भैया, अगर तुमने फर्स्ट डायरेक्टर ही अपॉइंट नहीं किया है तो ये तो तुम्हारा झोल हो गया है। अब तुमको इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट बोलता है टेंशन मत लो, हमको समझ में आ रहा है कि तुमने नया नया कंपनी स्टार्ट किया है, तुम्हारा नया नया प्यार है, तुमको प्रोसीजर्स पता नहीं है, तुम थोड़े बौखला गए हो। होता है ना, नए नए प्यार में जब आते तब बौखला जाते हैं ना, अपने को नहीं समझता, अरे दिन रात क्या कॉल कर रही है ये लड़की, दिन रात क्या मैसेज कर रही है ये लड़की, होता है ना, बौखला जाते हैं अपन। वैसे ही नई नवेली कंपनी है, अगर इन्होंने फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया है, ऑल द प्रोविजंस आर गिवन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ऐसा बोला गया है कि जो आपके सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम रहेंगे, आपको पता है ना मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करना पड़ता है, अगर नहीं पता है तो इट्स हाई टाइम दैट यू शुड गो बैक टू इंटर। आई बिलीव आपको पता होगा, सब्सक्राइबर्स जो होते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स होने वाले, देखो मेमोरेंडम का सब्सक्राइबर इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकता है, दैट इज नॉट एन इशू, लेकिन जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर है वो क्या कहलाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर कहलाएंगे, अगर कंपनी ने प्रॉपर फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं की है तो। अच्छा ठीक है मैम, फर्स्ट डायरेक्टर आपके सब्सक्राइबर बन जाएंगे, तो क्या ये जीवन काल के लिए डायरेक्टर बन जाएंगे? जब तक फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता तब तक के लिए इनको डायरेक्टर माना जाएगा, मतलब इनको मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। फिर आगे जाके अगर आपको इनको डायरेक्टर बनाना है तो प्रॉपर जो प्रोसीजर दी गई है आपके एक्ट में, वो प्रोसीजर आपको क्या करनी है, फॉलो करने की है। क्लियर? बात समझ में आ गई? The individual subscribers to the memorandum shall be deemed to be the first director
of the company until the directors are duly appointed if no provision is made in the articles of association for appointment of the first director. Clear? One person company, an individual being a member, shall be deemed to be the first director until the directors are duly appointed by the member. माना जाएगा कि भैया एक ही बंदा है, वो ही क्या रहेगा, डायरेक्टर रहेगा. एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी डायरेक्टर हो, वेदर इट इज अ फर्स्ट डायरेक्टर, वेदर इट इज अ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ता. एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग. मार्क द वर्ड, सिर्फ जनरल मीटिंग लिखा हुआ है. एनुअल जनरल मीटिंग या एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं लिया है. कल को अगर आपको कोई केस स्टडी आती है या कोई MCQ आता है जिसमें लिखा जाता है कि बताओ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, एक डायरेक्टर है जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला के अपॉइंट किया गया था, बताओ इसका जो अपॉइंटमेंट है वो सही है या नहीं है, तो इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केसेस. ऐसा नहीं, इट्स फाइन, क्योंकि जनरल मीटिंग बोला गया है. इट कैन बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और अ एनुअल जनरल मीटिंग अनलेस एनी स्पेसिफिक मोड ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. लेकिन अगर तुम्हारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोल रहा है कि भैया जनरल मीटिंग में नहीं आएगी, इसको अपन अलग तरीके से अपॉइंट करेंगे, इसको अपन एक एक शेयर होल्डर के घर पे बेच के इसका अपॉइंटमेंट रेटिफाई कराएंगे, तो वैसा अगर कोई मोड दिया है तो वो मोड भी चलेगा. बट देन अगर कोई मोड प्रिस्क्राइब्ड नहीं है आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, तो भैया एवरी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग. नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अनलेस ही इज अलॉटेड विद अ डिन अंडर सेक्शन 154. एवरी पर्सन प्रपोज्ड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शैल फर्निश हिज डिन. अब क्या हो गया, जो भी इंसान को डायरेक्टर बनना है वो बनेगा तो जनरल मीटिंग में, तो जनरल मीटिंग के बाद तो अलग है, उसको छोड़ दो. लेकिन जो भी इंसान डायरेक्टर बनना चाहता है उसको दो बातें करनी पड़ेगी. एक तो उसको उसका डिन देना पड़ेगा कंपनी को, प्लस एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा. एक डिन देना पड़ेगा कि भाई मेरा ये डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, क्योंकि बिना डिन के तो आप डायरेक्टर बन ही नहीं सकते. तो एक तो डिन फर्निश कर दो, और दूसरा एक डिक्लेरेशन दो दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर अंडर दिस एक्ट, मतलब कि अंडर सेक्शन 164. यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 164. ऐसा एक डिक्लेरेशन दे दो कि सर मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ. मैं जो बंदा हूँ ना वो सेक्शन 164 में डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ. मैं परिपूर्णता से पूर्ण हूँ आपके कंपनी में. क्या बनने के लिए? डायरेक्टर बनने के लिए. करेक्ट, ये देने का है आपको. अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स अ कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब ये बंदे को क्या करना है पता है, डिन देना है, डिक्लेरेशन देना है और कंसेंट देना है. कंसेंट देना है मतलब, ओ मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्यारे प्यारे बच्चों, कंसेंट का मतलब क्या होता है, अग्री करना किसी चीज को, मान्यता देना किसी चीज को. अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर बन रहे हो तो आपको ये कंसेंट देना होगा, आपको ये लिखित में देना होगा कि आप अपनी स्व इच्छा से. पहले तो आपने ये बताया कि सर आई एम नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर, आपने खुद की साइड रखी, मतलब खुद को डिफेंस में रखा कि सर मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं बन सकता हूं. दूसरे इसमें आप ये बोल रहे हो कि सर मैं स्व इच्छा से, अपनी विलिंग से आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता हूं, उसको कंसेंट भी फाइल करना पड़ेगा. ये तीनों भी चीजें किसको फाइल होने वाली है, डिन डिक्लेरेशन और कंसेंट किसको फाइल होने वाला है, कंपनी को फाइल होने वाला है. व्हेन इट कम्स टू कंसेंट, कंसेंट जाएगा कंपनी को DIR 2 में, ठीक है. एंड सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार. फिर कंपनी क्या करेगा, रजिस्ट्रार के साथ में ये फाइल करेगा DIR 12 में. Within 30 days of his appointment in DIR 12 along with the fees. This section is not applicable where the director is appointed by CGSG or to section 8 company. अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हुए डायरेक्टर हो तो आपको ये प्रोसीजर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, मतलब आपको डिक्लेरेशन कंसेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने आपका क्या किया है, अपॉइंट किया है. प्लस अगर आप सेक्शन 8 के डायरेक्टर बन रहे हो तो आपको ये सारे प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है. उसका डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए अलग प्रोसीजर है जो अपन देखेंगे, अगर अपने सिलेबस में रहा तो. मोस्ट प्रोबेबली नहीं है. बट देन मैं बात कर रही हूँ नॉर्मल कंपनीज की, मतलब अदर देन सेक्शन 8 कंपनी. अदर देन सेक्शन 8 कंपनी, हर कंपनी के लिए यही प्रोसीजर लगेगी. क्लियर हूं मैं? एक बार लिख लेते क्या इसको, सेक्शन नंबर 152. लिखने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको पढ़ लीजिए एक बार. मैं फुल स्क्रीन करती हूं, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है? फिर अपन क्या करते हैं ना, लिखना स्टार्ट करते हैं.
यस, पढ़ लीजिए एक बार। यस, चलिए इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आ जाइए बुक में। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं सेक्शन 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। इसमें दो बातें अपन पढ़ने वाले हैं, एक है फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट और दूसरा है सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। फर्स्ट डायरेक्टर ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर में अपन ये देखेंगे कि आपका जो कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, प्रोविजन देता है, रुको, कंपनी का जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसमें अगर प्रोविजन दिया है प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, तो भैया वो फॉलो किया, वो फॉलो, सॉरी, गिवन नॉट गिवन, प्रोविजन दी हुई है, प्रोविजन नहीं दी हुई है। अगर प्रोविजन दी गई है अपॉइंटमेंट टू बी मेड एज पर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स, बात को ध्यान रखें यहां पे आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। यहाँ पे आपका आर्टिकल्स दिया हुआ है, अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में पहले डायरेक्टर को अपॉइंट करने की प्रोविजन दी है तो आप वैसा का वैसा ही डायरेक्टर क्या करने वाले हो, अपॉइंट करने वाले हो। दूसरा नॉट गिवन, तो भैया सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि इंडिविजुअल रहेंगे आर दी फर्स्ट डायरेक्टर्स, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हु आर द इंडिविजुअल बिकम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। समझ में आया फर्स्ट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का मैटर क्या होता है। अब बात करते हैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जो कि अपॉइंट होगा कहां पे, कहां पे, जनरल मीटिंग में। तो भैया अगर सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक मोड दिया है कि भैया ऐसे ही अपॉइंट होगा, अगर कोई स्पेसिफिक मोड दिया है तो फॉलो दैट मोड, लेकिन अगर स्पेसिफिक मोड नहीं दिया हुआ है तो आप उसको कहां पे अपॉइंट करोगे, जनरल मीटिंग में। कहां पे अपॉइंट करोगे, जनरल मीटिंग में। इसको लिखते वक्त आपको कैसे लिखना है, दैट एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग अनलेस अ स्पेसिफिक मोड इज प्रोवाइडेड, अनलेस अ स्पेसिफिक मोड इज प्रोवाइडेड।
ठीक है। अब ये हो गया कि भैया अपॉइंटमेंट का प्रोविजन क्या क्या रहेगा, मतलब कैसे अपॉइंट होगा। अब अपन देखेंगे प्रोसीजर क्या रहता है अपॉइंटमेंट के लिए। प्रोसीजर, ये बंदा है, ये डायरेक्टर बनना चाहता है। सबसे पहले आपको देखना है कि इसके पास में डिन है क्या, डिन अंडर सेक्शन 154। अगर इसके पास डिन है तो बात आगे बढ़ेगी। अगर इसको डायरेक्टर बोल के अपॉइंट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कंपनी को तीन चीजें देनी पड़ेगी। कंपनी को तीन चीजें क्या देनी पड़ेगी इसको, एक तो सबसे पहले अपना डिन देना पड़ेगा, दूसरा डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और तीसरा कंसेंट देना पड़ेगा। समझ में आया? डिन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कंसेंट देना पड़ेगा। ओके मैम, हमारा डिक्लेरेशन किसके बारे में बात करने वाला है? हमारा डिक्लेरेशन किसके बारे में बात करने वाला है? नॉट डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, अंडर सेक्शन 164। और आपका कंसेंट क्या रहने वाला है कि भैया आई एम रेडी टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक तो पता नहीं ये पेन का हाइलाइटर भी नहीं चल रहा है अच्छे से। ठीक है, कंसेंट कहाँ देने का है आपको? DIR 2 में देने का है। काहे में देने का है? DIR 2, फॉर्म DIR 2, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी गई है, आपको सिर्फ वो भरना है और क्या करना है, कंपनी को चेप देना है, मतलब कंपनी को दे देना है। जैसे आप कंपनी को ये सारी चीजें दोगे, कंपनी का काम रहेगा कि जैसे ही आपसे चीजें आती है, बाकी चीजें तो आप तक रखना है, लेकिन कंपनी ने क्या करना है, 30 डेज में कंसेंट ऑफ डायरेक्टर रजिस्ट्रार को फाइल करना है। कहाँ? DIR 12 में। DIR 12 में। क्लियर हूं मैं? प्रोसीजर समझ में आ गई आपको? दैट मींस अपन ने अभी सेक्शन नंबर 152 का जो सबसेक्शन 1 है, विच टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द रेगुलर डायरेक्टर, वो अपन ने खत्म कर दिया है। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? कोई शक, कोई गुंजाइश? नहीं? वेरी गुड। चलिए एक बार फटाफट से इसको आप अपने बुक में लिख लीजिए, मैं फुल स्क्रीन कर रही हूं। चलिए फटाफट से लिख लीजिए। यस, पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। चलिए लिख लिया क्या आप लोगों ने? आगे बढ़े? करेक्ट, आ जाइए। अब इसके बाद में अपन ने अभी क्या पढ़ लिया, अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर डायरेक्टर। अब अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल अल्टरनेट एंड नॉमिनी डायरेक्टर, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ अदर क्लासेस ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर क्लासेस ऑफ डायरेक्टर। अब आप बात समझो, सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एडिशनल डायरेक्टर की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, एडिशनल डायरेक्टर की। नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा डायरेक्टर जो क्या है, इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है।
क्या है, इन एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, मतलब जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर का अपना क्राइटेरिया है वो फुल हो गया है, 15 के ऊपर अपना नंबर नहीं जा रहा है, 15 के अंदर ही अपना नंबर है, पर अपने को जितने डायरेक्टर्स चाहिए थे वो डायरेक्टर्स अपन ने क्या कर लिए है, अपॉइंट कर लिए है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है। लेकिन अब अपने को क्या है ना, एक और बंदा चाहिए एक्सपर्टाइज्ड, अपने को समझ में आ रहा है कि अब अपने को ना थोड़ा सेल में ज्यादा फोकस्ड वाला बंदा चाहिए या मार्केटिंग में ज्यादा फोकस्ड वाला बंदा डायरेक्टर्स के पोजीशन पे चाहिए, अपने को नया बंदा अपॉइंट करने का है। पर मैटर ऐसा हो गया कि नया बंदा अपॉइंट करने के लिए जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और जनरल मीटिंग बुलाना मतलब 21 दिन के पहले तो नोटिस सर्व करो, फिर अगर उसकी शॉर्ट नोटिस सर्व करनी तो उसके लिए पहले परमिशन लो लोगों से, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, इतना मजमा करने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं है, बिकॉज वी नीड दैट पर्सन एट दिस मोमेंट एट एनी कॉस्ट। तो भैया ऐसे टाइम पे आप एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हो जिसको आप डायरेक्टर नहीं बोलोगे, जिसके पास मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, मतलब मैनेजमेंट का रोल रहेगा पर जैसे डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं वैसा वो अपॉइंट नहीं होगा, एडिशनल डायरेक्टर बोल के अपॉइंट होगा। ही इज नॉट अ नॉर्मल डायरेक्टर, ही इज जस्ट एडिशनल डायरेक्टर। उसका अपॉइंटमेंट भी जनरल मीटिंग में नहीं हो रहा है, उसका अपॉइंटमेंट बोर्ड नहीं कर रखा है, इसीलिए उसको डायरेक्टर नहीं बोलते, उसको एडिशनल डायरेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अंकिता मैडम पानी दे देंगे प्लीज। तुम भी पानी पीते रहा करो, बॉडी को हाइड्रेट रखा करो, क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो दिमाग नहीं चलता तो पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। मैं बात कर रही थी किसके, एडिशनल डायरेक्टर की। देर आर सम एम्प्लॉइज, देर आर सम पर्सन हु आर वेरी मच नीडेड फॉर द कंपनी बट दे कैन नॉट बी टेकन एज एम्प्लॉय। अब बहुत सारे लोग अपने को चाहिए पर उनको एम्प्लॉय नहीं बनाना है, उनको बनाना डायरेक्टर ही है। देयर माइट बी सिचुएशन वेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इंटेंड टू अपॉइंट अ पर्सन ऑन द बोर्ड, हाउएवर इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वेन द जनरल मीटिंग। अपने को एक नया बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अपॉइंट करना है, लेकिन 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 किसी कारणवश हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। एक ही रीजन है कि भैया अभी जनरल मीटिंग बुलाना अपने लिए फिजिबल नहीं है, कुछ टाइम के बाद में एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है तो वहां पे उसको अपन क्या कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे, या अपन उसको क्या कर देंगे, रेटिफाई कर देंगे। सीकिंग अप्रूवल ऑफ द मेंबर्स देन वी कैन अपॉइंट अ पर्सन एज एन एडिशनल डायरेक्टर टिल द नेक्स्ट ईजीएम। मतलब एडिशनल डायरेक्टर का टेन्यूअर कितना रहता रे, एडिशनल डायरेक्टर का टेन्यूअर कितना रहता, नेक्स्ट ईजीएम तक का रहता। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है क्या, नहीं, बोर्ड इनको अपॉइंट करता है। समझ में आ रही है बात आपको, इनके लिए एनुअल जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग बुलाना जरूरी नहीं होता, इसीलिए तो एडिशनल डायरेक्टर बोल के अपॉइंट कर रहे हैं। अगर जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट कर लेते इसका तो ये क्या बन जाता, डायरेक्टर बन जाता। पर हमारे पास में जनरल मीटिंग बुलाने जितना टाइम नहीं था तो अपन ने क्या करा, इसका सादा अपॉइंटमेंट कर दिया। सादा अपॉइंटमेंट करके बाद में अपन इसको रेटिफाई कराएंगे, तो जब तक रेटिफाई करवाने वाले हो, रेटिफाई करवाना मतलब अप्रूवल देना, जब तक रेटिफाई करवा रहे हो ये क्या बन जाएगा, आपका एडिशनल डायरेक्टर बन जाएगा। एक पॉइंट आपको नोट करना यहां पे जरूरी है, अगर कोई इंसान डायरेक्टर बोल के अपॉइंट नहीं हुआ किसी जनरल मीटिंग में, अब होते हैं ना कंपनी में क्या होता है, जनरल मीटिंग है, 10 लोग हैं जो डायरेक्टर बन रहे, ठीक है, उसमें से 9 लोग क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए, एक लोग सिलेक्ट नहीं हुआ, लोग मतलब प्लूरल हो जाता है, एक आदमी नहीं सिलेक्ट हुआ, ये जो एक आदमी सिलेक्ट नहीं हुआ ना, ये एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, नहीं तो तुम बोलेंगे कि भाई ये जनरल मीटिंग में ये अपॉइंट नहीं हुआ, अपन क्या करते, अपन इसको एडिशनल डायरेक्टर बना देते अगले जनरल मीटिंग में देखेंगे, रेटिफिकेशन मिला तो ठीक है, रेटिफिकेशन नहीं मिला तो भी ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, जो बंदा डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है वो बंदा एडिशनल डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। दैट मींस ऐसा बंदा जिसके अंदर डायरेक्टर बनने की चाहत है, डायरेक्टर बनने की औकात है, डायरेक्टर बनने की क्वालिफिकेशंस है, डायरेक्टर बनने के लिए लायक है इन द जनरल मीटिंग, वो ही आदमी एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है। अगर कोई इंसान जनरल मीटिंग में डायरेक्टर बनने के लायकी का नहीं है, उसको जनरल मीटिंग में रिजेक्ट कर दिया गया है फ्रॉम बीइंग अ डायरेक्टर, वो एडिशनल डायरेक्टर बोल के आपका अपॉइंट नहीं होगा। टेन्योर, एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट जनरल मीटिंग और द लास्ट डेट ऑन विच द एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। या तो एनुअल जनरल मीटिंग जब आप हेल्ड कर रहे हो और लास्ट डे टू होल्ड
एनुअल जनरल मीटिंग, तब तक आप क्या कर सकते हो, एडिशनल डायरेक्टर को ऑफिस में रख सकते हो। क्लियर है? यहाँ पे हु इज एन एडिशनल डायरेक्टर अपने कोई लेना देना नहीं, हु कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर वो अपने लिए लेना देना है, कि बोर्ड कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, टेन्योर कितना रहने वाला है ये बंदे का टेन्योर नेक्स्ट ईजीएम तक रहने वाला है। फिर उसके बाद में जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है क्या? नहीं। फिर उसके बाद में टेन्योर हो गया अपना। जो बंदा क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, जो बंदा जनरल मीटिंग में डायरेक्टर बन सकता है वही क्या बन सकता है, एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है। क्लियर? एडिशनल डायरेक्टर बनने के लिए आपके डिस्क्वालिफिकेशन आपको चेक करने पड़ेंगे। सेक्शन 164 के तहत के जितने डिस्क्वालिफिकेशन है वो आपके एडिशनल डायरेक्टर को क्या हो जाते हैं, अप्लीकेबल हो जाते हैं। क्लियर हूं मैं? चलिए एक बार फटाक से इसको लिख लेते क्या, आ जाइए। अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास ऑफ डायरेक्टर, उसमें सबसे पहला डायरेक्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज एडिशनल डायरेक्टर। आ जाइए, अरे यार फुल स्क्रीन नहीं किया मैंने, आ जाइए। यस, आपके स्टडी मटेरियल में कुछ चीजें नहीं दी गई है जो मैं चाहती हूँ कि आपको पता हो, तो वो एडिशनल चीजें भी मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूंगी, आपने उसको कॉपी डाउन करना है। ठीक है? चलिए आ जाइए। एडिशनल डायरेक्टर, सबसे पहले व्हेन एडिशनल डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, इफ डायरेक्टर व्हेन अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग इज नॉट पॉसिबल, एडिशनल डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है? अब दूसरा अपन देखेंगे कि कौन सा बंदा एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता, डिसक्वालिफिकेशन। तो बात को यहाँ पे समझो, आपने एडिशनल डायरेक्टर जो अपॉइंट किया है, ही इज अपॉइंटेड ऑन द टेम्पररी बेसिस, उसको बोर्ड ने अपॉइंट किया है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हुआ है, पर इसके अंदर वो सेक्शन 164 के डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होने चाहिए। दिस इज द प्राइमरी थिंग। आपके कंपनी में जो भी बंदा अपॉइंट हो रहा है, जो भी डायरेक्टर अपॉइंट हो रहा है, उसके अंदर सेक्शन 164 के डिस्क्वालिफिकेशंस नहीं होने चाहिए। दैट मींस इसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगा नॉट टू बी, सॉरी इसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं, इसको क्वालिफिकेशन बोलेंगे अपन। इसका क्वालिफिकेशन रहेगा नॉट टू बी डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164। ये आपकी पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, पर्सन फेल्ड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग इज नॉट इक्वल्स टू एडिशनल डायरेक्टर। अगर कोई बंदा जनरल मीटिंग में एज अ डायरेक्टर नहीं आ रहा है तो वो आपका एडिशनल डायरेक्टर बोल के भी नहीं आएगा। बात समझ में आई आपको? क्वालिफिकेशन समझ में आ गया? अरे यार मैं हर बार क्यों फुल स्क्रीन करना भूलती हूँ। ठीक है? फिर उसके बाद में
टेन्योर कितना होता है इसका, पहले तो देख लो अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका। अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इफ ऑथोराइज्ड बाय बोर्ड। फिर उसके बाद कितना टाइम काम करने वाले हैं ये, इनका टेन्योर कितना होने वाला है, अप टिल नेक्स्ट ए जी एम। फिर उसके बाद में पावर्स एंड ड्यूटीज, ये जो आपके एडिशनल डायरेक्टर्स हैं इनका काम क्या रहेगा, सेम एज रेगुलर डायरेक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर, एक कंपनी में कितने एडिशनल डायरेक्टर हो सकते हैं, इतना ध्यान में रखो कि आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर्स द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड नॉट एक्सीड द गिवन लिमिट। आपके पास में कोई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, प्रोवाइडेड एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करने के बाद आपकी जो टोटल लिमिट ऑफ द डायरेक्टर्स है कि भैया आप इतने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो, वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। क्लियर हूं मैं? दिस वॉज ऑल अबाउट द एडिशनल डायरेक्टर, एक बार देख लीजिए और फटाफट से इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। फटाफट से इसको कॉपी डाउन कर लीजिए, पॉज करके करना। हाँ चलिए फटाफट से लिख लीजिए आप लोग। यस, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पढ़ा अपन ने किसके बारे में पढ़ा, एडिशनल डायरेक्टर के बारे में पढ़ा। अब अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। नाम से समझ में आता है, एक ऐसा डायरेक्टर जो किसी दूसरे डायरेक्टर का ऑल्टरनेटिव है। किसी दूसरे डायरेक्टर का क्या है, ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का मतलब क्या है, किसी दूसरे डायरेक्टर का क्या है, ऑल्टरनेटिव है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी मे इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। बात को समझो, आपको दोनों भी जगह पे, आपको दोनों भी जगह पे आर्टिकल्स से क्या लगने वाला है, परमिशन लगने वाला है। किसको लगने वाला है, बोर्ड को लगने वाला है। दैट मींस अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड करता है। अल्टरनेट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है, बोर्ड करता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी मे इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स और बाय रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। पहली बात तो आपको आर्टिकल्स में प्रोविजन दी गई है, अगर आर्टिकल्स में प्रोविजन नहीं दी गई है तो कंपनी के जनरल मीटिंग में आपने ऑलरेडी ये प्रोविजन पुट फॉरवर्ड करी है कि भैया हमको ऑल्टरनेट डायरेक्टर लगा तो क्या करने का।
मे अपॉइंट अ पर्सन टू एक्ट एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, किसी एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं जो क्या कर सकता है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर बोल के क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है इन प्लेस ऑफ अनादर डायरेक्टर, मतलब कि ओरिजिनल डायरेक्टर, एक डायरेक्टर के बदले में, एक डायरेक्टर के बदले में दूसरा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं ड्यूरिंग हिज एबसेंस, ओरिजिनल डायरेक्टर जब एबसेंट है तब, फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स फ्रॉम इंडिया। अगर एक ओरिजिनल डायरेक्टर है, एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ, अगर एक ओरिजिनल डायरेक्टर है ये इंडिया से बाहर जा रहा है, बात को समझो, उसको इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया में ही नहीं रहना है, इंडिया में मतलब अपना कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो पुणे में है, भैया घूमने के लिए जा रहा दिल्ली नहीं, इंडिया के बाहर जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो क्या है, एबसेंट है फ्रॉम इंडिया, इंडिया से एबसेंट है, इंडिया के बाहर जा रहा है, कितने पीरियड के लिए, मिनिमम 3 महीना या उससे ज्यादा। अगर कोई बंदा है जो बाहर घूमने जा रहा है, हनीमून मनाने 1 महीने के लिए जा रहा है, कहां पे, इंडोनेशिया जा रहा है, तो क्या वो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, नहीं कर सकता। मैम 2 महीने के लिए, नहीं कर सकता। 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए ये ओरिजिनल डायरेक्टर अगर इंडिया के बाहर जा रहा है, बात को समझो, ओरिजिनल डायरेक्टर है, इंडिया के अंदर है, इंडिया से बाहर जा रहा है 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए, ओरिजिनल डायरेक्टर है, इंडिया से बाहर जा रहा है 3 महीने या उससे ज्यादा के लिए, इस बंदे के बिहाफ पे एक अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है, इस बंदे की एब्सेंस को पूरा करने के लिए, इस बंदे की एब्सेंस को पूरा करने के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। अगेन, क्या अल्टरनेट डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है? नहीं, उसको अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर कहां से मिलती है? या तो आर्टिकल्स से मिलती है, या तो कंपनी ने जनरल मीटिंग में ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन पास करके रखा है कि बोर्ड हैज द पावर टू अपॉइंट द अल्टरनेट डायरेक्टर। सबसे पहली कंडीशन है, इंडिया से बाहर जाना चाहिए, जिस बंदे के लिए आप अल्टरनेट डायरेक्टर मंगवा रहे हो वो ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर जाना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा के लिए जाना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में या कंपनी के जनरल मीटिंग में पास किया हुआ पावर होना चाहिए। A person who is holding any alternate directorship for any other director in the company cannot be considered for appointment as above. अगर आप already किसी बंदे का alternate director बोल के appointed हो, say for example HK है, HK एक company में प्रणव सर की alternate बोल के appoint हो चुकी है, एक कंपनी है PCA लिमिटेड जहां पे प्रणव सर इज द ओरिजिनल डायरेक्टर, वो 3 महीने के लिए दिशा मैम के साथ में घूमने चले गए, ठीक है, अब वो जगह खाली है, उनकी जगह भरने के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर पे HK को क्या किया, अपॉइंट किया। अब इसी कंपनी में अंकिता मैम थे, अंकिता मैम भी कहीं तो घूमने चले गए 4-5 महीने के लिए, तो क्या HK अंकिता मैडम की अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकती है, क्या नहीं बन सकती, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रणव सर के अल्टरनेट डायरेक्टर बन के बैठी हूँ यहाँ पे। तो एक बंदा एक टाइम पे एक ही इंसान को अल्टरनेट डायरेक्टर बन सकता है, एक बंदा एक टाइम पे एक ही इंसान का क्या बन सकता है, अल्टरनेटिव बन सकता है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, सेक्शन 149(6) में जाके देख लेने का, बात समझ में आई। An alternative director shall not hold office for a period longer than that permissible to the original director in whose place he was appointed and shall vacate the office if and when the original director returns to India. सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि अगर हमने किसी बंदे के alternative में एक alternate director appoint किया है, original director है, ये कहीं तो घूमने जा रहा है, इसके लिए अपन ने क्या appoint किया है, alternate director किया है, common sense की बात है, original director के पास जितनी powers होंगी वो alternate director के पास होंगी, क्योंकि इसकी जगह पे ये आया है, इसके footprints पे ये चलने वाला है, तो इसके पास में भी सारे orders है, सारे powers है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो original director है हमारा, सॉरी ये जो ओरिजिनल डायरेक्टर है अपना, ये साइडलाइन हो जाएगा, इसकी पावर्स कम हो जाएगी जस्ट बिकॉज अल्टरनेट डायरेक्टर आया है, नहीं, अल्टरनेट डायरेक्टर के पास में इसकी सारी पावर है। और जैसे ही ये बंदा वापस आएगा इंडिया के अंदर, ये वाला बंदा जैसे ही इंडिया के अंदर वापस आएगा, ये बंदे को ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, और ये बंदा वापस से क्या बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, ये बंदा वापस से क्या बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, बात समझ में आ रही है, कॉमन सेंस की बात है, बाहर घूमने गया था, रिटर्न आ गया तो अपनी जगह पे वापस आ गया, अल्टरनेट डायरेक्टर सिर्फ उसकी जगह भरने के लिए था, अब उस जगह का मालिक अगर आ चुका है तो अल्टरनेट डायरेक्टर को ऑफिस छोड़ के जाना पड़ेगा। मीनवाइल एक चीज समझो, अगर इस बंदे ने, ओरिजिनल डायरेक्टर ने रिजाइन मार दिया,
किसी भी कारणवश ओरिजिनल डायरेक्टर ने रिजाइन मार दिया तो अल्टरनेट डायरेक्टर का ऑफिस ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, क्योंकि जिस बंदे की जगह पे तुम आए थे वही बंदा अगर निकल चुका है तुम्हारी कंपनी से तो तुम्हारा तो वैसे कोई अस्तित्व नहीं है। तो दो केसेस है, एक तो ये रिटर्न आ रहा है इंडिया में तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर का वेकेशन हो जाएगा, मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर की छुट्टी हो जाएगी, इस बंदे ने रेजिग्नेशन दे दिया है तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर की क्या हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। If the term of office of the original director is determined before he so returns to India, any provision for automatic reappointment for the retiring director in default of another appointment shall apply to the original director and not to the alternate director. Say for example, ये आदमी जो है, ये original director जो है, ये 6 महीने के लिए इंडिया के बाहर गया है घूमने के लिए, और ये 6 महीने कौन से, जिसमें annual general meeting होने वाली थी। अब आगे एक provision आता है जिसमें बोलते हैं retirement of the director, जिसमें बोला जाता है कि हर annual general meeting में 2/3 ऑफ द डायरेक्टर रिटायर होने के कगार पे रहेंगे और उसमें से 1/3 डायरेक्टर्स क्या होंगे, रिटायर होंगे। दैट मींस 1/3 ऑफ द कैपेसिटी क्या होने वाले हैं, जाने वाले हैं। अगर वो 1/3 में ये आदमी था और इसको रीअपॉइंट करने वाले थे, जैसे ही ये जाने वाला है, इसका रिटायरमेंट होने वाला है, अगर इसका रीअपॉइंटमेंट होने वाला है तो जो रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजंस है वो सारे के सारे ओरिजिनल डायरेक्टर पे लगेंगे, ना कि अल्टरनेट डायरेक्टर पे लगेंगे, जस्ट बिकॉज ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर है, ऐसा नहीं है। अगर कोई प्रोविजन ओरिजिनल डायरेक्टर पे लग रहा है तो वो प्रोविजन ओरिजिनल डायरेक्टर पे ही लगेगा। It may be mentioned that whether an alternate director shall be appointed or not, or who shall be appointed in prerogative of the board and not the decision of the original director. यहाँ पे बोला गया है it may be mentioned that whether an alternate director shall be appointed or not and who shall be appointed in prerogative of the board is not the decision of the original director. यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि मेरे बदले में अगर मैं 3 महीने की छुट्टी पे कहीं जा रही हूँ तो मेरे बदले में जो बंदा आने वाला है उसको मैं अपॉइंट नहीं करूंगी, उसको बोर्ड ही अपॉइंट करेगा। समझ में आ रही क्या बात? जा रहा कौन? ओरिजिनल डायरेक्टर। अगर तुम अपना कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हारा दिल भी बोलेगा कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर छोड़ के जा रहा है तो ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले में जो बंदा आने वाला है वो ओरिजिनल डायरेक्टर ही क्या करने वाला है, अपॉइंट करने वाला है। ओरिजिनल डायरेक्टर ही क्या करने वाला है, अपॉइंट करने वाला है। तो भैया उस घड़ी उस समय बात को समझो, ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। दैट मींस होल एंड सोल पावर किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। किसकी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की है। क्लियर हूं मैं। चलिए, समझ में आई बात अल्टरनेट डायरेक्टर के? आपको तीन से चार चीजें बहुत दिमाग में रखनी है। सबसे पहली बात, अल्टरनेट डायरेक्टर तभी अपॉइंट होता है जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से बाहर जाता है। इंडिया से बाहर कितने पीरियड के लिए जाना है, 3 महीना या उससे ज्यादा के लिए। अपॉइंटमेंट वन करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, प्रोवाइडेड दे आर गिवन द पावर इन द आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन और रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। क्या ओरिजिनल डायरेक्टर अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? हर कंडीशन में ये वाला राइट सिर्फ और सिर्फ किसका रहने वाला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रहने वाला है। जो भी पावर्स ओरिजिनल डायरेक्टर की है, जो भी ड्यूटीज ओरिजिनल डायरेक्टर की सारी अल्टरनेट डायरेक्टर को एप्लीकेबल होगी क्या? यस मैम, बिल्कुल एप्लीकेबल होगी। उसके बाद में जैसे ही ओरिजिनल बंदा इंडिया के अंदर वापस आता है, अल्टरनेट डायरेक्टर की छुट्टी हो जाएंगी क्या? यस मैम। अगर ओरिजिनल बंदे से परस्पर रेजिग्नेशन दे दिया तो अल्टरनेट डायरेक्टर की छुट्टी हो जाएंगी क्या? बिल्कुल मैम। जब ये ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया के बाहर था उस घड़ी उस समय इसका रिटायरमेंट होने वाला था और रीअपॉइंटमेंट भी होने वाला था, तो रीअपॉइंटमेंट की जो प्रोविजन है वो अल्टरनेट डायरेक्टर को लगेगी कि ओरिजिनल डायरेक्टर को लगेगी? कॉमन सेंस की बात है, ओरिजिनल डायरेक्टर को लगेंगी। मोटा मोटी तौर पर अगर मैं ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले में अल्टरनेट डायरेक्टर ला रही हूँ तो इसका यह मतलब नहीं है कि ओरिजिनल डायरेक्टर साइडलाइन हो चुका है। क्लियर है बात? ओके बॉस, चलिए एक बार फटाफट से आप गो थ्रू कर लीजिए, मैं पानी पी लेती हूं तब तक। गो थ्रू कर लीजिए फिर हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए, आई होप आप गो थ्रू कर चुके होंगे। अब फटाफट से अपन ऑल्टरनेट डायरेक्टर के बारे में सब कुछ चीजें लिख लेते हैं।
अल्टरनेट डायरेक्टर। व्हाई अल्टरनेट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड, अपन सबसे पहले वो लिखेंगे, अपॉइंटेड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर? हु इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया ब्रैकेट में वेंट आउटसाइड थ्री मंथ्स और मोर। अपॉइंटेड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अ डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर? हु इज एबसेंट फ्रॉम इंडिया, मतलब वेंट आउटसाइड इंडिया फॉर थ्री मंथ्स और मोर। तब आप क्या करते हो, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को क्या करते हो, अपॉइंट करते हो। पावर टू अपॉइंट, किसकी पावर होती है ये अपॉइंट करने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेंबर्स इन जनरल मीटिंग। पावर टू अपॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे नंबर ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टर शिप, कितने नंबर ऑफ ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप आप होल्ड कर सकते हो। पर्सन अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर फॉर वन डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ अनादर डायरेक्टर। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, अगर कोई बंदा ऑलरेडी डायरेक्टर बोल के अपॉइंटेड है, तो वो बंदा ऑल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता। दैट मीन्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर ही नया बंदा ही रहेगा आपके बोर्ड में, एग्जिस्टिंग मेंबर्स में नहीं रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट भी अपन लिख लेते हैं। ऑल्टरनेट डायरेक्टर कैन नॉट बी अ, शुड नॉट बी, सॉरी, कैन नॉट बी नहीं, शुड नॉट बी, शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर उसके बाद ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड आल्सो बी
इसका टेन्योर कितना रहता है अप टिल? रिटर्न ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर्स पावर्स ड्यूटीज सेम एज ओरिजिनल डायरेक्टर, सेम एज ओरिजिनल डायरेक्टर। फिर उसके बाद में ओरिजिनल ओरिजिनल डायरेक्टर कैन नेवर अपॉइंट ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, चलिए ऑल्टरनेट डायरेक्टर ऑन योर स्क्रीन गाइस, फटाफट से एक बार लिख लीजिए। फुल स्क्रीन करके चलिए लिख लिया आप लोगों ने, पॉज करके लिख लेना। पॉज करके लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले डायरेक्टर पे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर। यहां तक अपने को एक चीज समझ में आ गई है कि भैया अगर कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करने का है तो या तो वो जनरल मीटिंग में हो सकता है, अगर आपका रेगुलर डायरेक्टर है तो वो कहां पे होगा? आपके जनरल मीटिंग में होगा। अगर आप एडिशनल या अल्टरनेट डायरेक्टर कर रहे हो तो वो कहां पे होगा? बोर्ड मीटिंग में होगा, मतलब बोर्ड डिसाइड करेगी। ठीक है, मतलब मोटा मोटी तौर में कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हो रहा था आपका, कंपनी के अंदर अपॉइंटमेंट हो रहा था, मतलब कंपनी के लोग अपॉइंट कर रहे थे, या तो वो मेंबर थे या तो वो डायरेक्टर थे जो आपका क्या कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। अभी अपन पढ़ने वाले हैं क्या? नॉमिनी डायरेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉमिनी डायरेक्टर। नॉमिनी का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? नॉमिनी का मतलब कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉमिनी? बहुत बार सुना होगा आपने कि अगर कोई इंसान मर गया तो उसका नॉमिनी आता है, अगर कोई इंसान कोई हो गया तो उसका नॉमिनी आता है, मतलब उसका क्या? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसका क्या? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब होता क्या था मैं आपको बताती हूँ। कंपनी है, कंपनी के अंदर ओनर्स है, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स भी है, लेकिन क्या होता था ना, ये लोग लोन गिन बोरो करते हैं। अब आपको भी पता है कि कंपनी के अंदर कितना पैसा लगता है, तो बड़े बड़े पैमाने पर अपने को पैसा लगता है ना। तो जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उनका क्या बोलना है कि भैया नो वरीज कि तुमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखा है, पर क्या भरोसा है कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी तुमसे मिला हुआ नहीं होगा, तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक्चुअली इंडिपेंडेंट होगा। अब लॉ में कुछ प्रोविजंस दे के रखे हैं, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, इंसान को भटकने को कितना टाइम लगता है? कुछ भी टाइम नहीं लगता है इंसान को भटकने के लिए, करेक्ट? तो इनका बोलना है कि भैया तुम्हारा कितना भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, तुम्हारे कितने भी गवर्नेंस अच्छे हो, हमको हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे बोर्ड पे चाहिए।
पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बोलती है कंपनीज को कि तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो 15 मेंबर्स है ना, उसमें से कुछ मेंबर्स हमारे रहेंगे, कुछ मतलब पूरे नहीं, एक हद दो गिन के, एक हद दो लोग हम क्या करेंगे, आपको देंगे। अपॉइंटमेंट कैसा करनी है, आपको क्या क्या करना है, उसको क्या पावर देनी है, ये आपका काम है, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रहना चाहिए। और वही आदमी को अपन बोलते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। एंड टू माई सरप्राइज एंड टू योर सरप्राइज ऑल्सो, आपको नॉमिनी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर ही नहीं दिया हुआ है, जो कि देना चाहिए था बट नहीं दिया हुआ है। बस इतना दिया हुआ है कि भैया सब्जेक्ट टू दी आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी द बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय द इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पे बोर्ड स्व इच्छा से नहीं अपॉइंट कर रहा है, बोर्ड अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं कर रहा है। एडिशनल डायरेक्टर अपनी मर्जी से था, ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपनी मर्जी से था, लेकिन यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर अपनी मर्जी से नहीं है। ये आप इसीलिए कर रहे हो बिकॉज किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने और बाय अग्रीमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय द वर्चू ऑफ इट्स चेयर होल्डिंग इन द गवर्नमेंट कंपनी, मतलब कि किसी इंस्टीट्यूशन से, मतलब कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इनके बोलने पे बोर्ड में एक बंदा रहेगा इनका नॉमिनी। एक बंदा क्या रहेगा, इनका नॉमिनी रहेगा बोर्ड पे। बस इतना ही आपको बोला है नॉमिनी डायरेक्टर के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला है। पहले तो मैं ये डर गई थी क्योंकि हमको, जब हम सीए फाइनल, मैं सीए फाइनल में थी, तो हमको ये पूरी प्रोसीजर थी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर एंड देयर वेर आई थिंक 11 स्टेप्स पूरी कि भाई कैसे अपॉइंट करना है, क्या करना है, एंड दैट वॉज क्वाइट रिगरस प्रोसेस। बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नॉमिनी ला रहे हो तो आपको उसके अलग प्रोविजन होते हैं जो देखने होते हैं, तो वो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए क्वालिफाई है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। बट थैंकफुली आप लोगों को वो प्रोसीजर नहीं है, आप लोगों को पूरे इसमें एक ही चीज़ दी गई है कि भैया अगर कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट आपको अगर बोल रही है कि हमारा एक नॉमिनी रिप्रेजेंटेटिव आपके बोर्ड पे होना चाहिए, तो फिर होना चाहिए। उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा। और कैसे करेगा अपॉइंटमेंट, कैसे करेगा बोर्ड उसका अपॉइंटमेंट, अगर आर्टिकल्स में प्रोवाइडेड है वैसे। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ द नॉमिनी डायरेक्टर इज गवर्न्ड बाय एंड इज सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर हूं मैं? चलिए फटाक से 2 मिनट में इसको भी अपन क्या करते हैं, झपाक से लिख डालते हैं, है ना, छोटा सा ही है ताकि चार्ट अच्छे से बनता रहेगा अपना। नहीं तो मैं नॉमिनी डायरेक्टर छोड़ दूंगी, तुम रिविजन करने के टाइम पे नॉमिनी डायरेक्टर पढ़ोगे नहीं, फिर मेरे नाम से बॉम्ब फोड़ोगे कि मैम ने लिखवा के ही नहीं दिया। तो लिख लेते अपन, आ जाइए नॉमिनी डायरेक्टर। सबसे पहले हु इज अ नॉमिनी डायरेक्टर, डायरेक्टर हु इज अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल बोर्ड, हु इज अपॉइंटेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और इन्वेस्टर्स टू फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद में governed by articles of association of company why nominee director is appointed to ensure that interest of the above people is safeguarded, correct? चलिए
क्लियर? नॉमिनी डायरेक्टर ऑन योर स्क्रीन गाइस. यस, लिख लिया? चलिए नेक्स्ट. मेरा आपसे सवाल है, अपन ने ऑल्टरनेट डायरेक्टर में क्या पढ़ा था? अपन ने ऑल्टरनेट डायरेक्टर में पढ़ा था कि एक ओरिजिनल डायरेक्टर है जो क्या कर रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है. मतलब ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, इंडिया के बाहर होना चाहिए, इंडिया के बाहर जाना चाहिए. मेरा आपसे सवाल है कि एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया जिसके अंदर एक बंदा अपन ने एज अ डायरेक्टर बोल के अपॉइंट किया, ड्यू टू सम और दी अदर रीजन बाय द एंड ऑफ अक्टूबर वो मर गया. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक बंदा है जो जनरल मीटिंग में बाकायदा एकदम प्रॉपर तरीके से क्या हुआ है, अपॉइंट हुआ है, पर अक्टूबर आते आते किसी किसी भी कारणवश वो क्या हो चुका है, मर चुका है, या उसने रेसिग्नेशन दे दिया है कंपनी को कि भाई मेरे को तुमसे काम नहीं करना, या उसको किसी तरीके से ऑफिस को वेकेट करना पड़ा या ऑफिस छोड़ना पड़ा. इन द नॉर्मल कोर्स, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज नहीं हुई है, इन द नॉर्मल कोर्स ये सारी चीजें हो रही है. मेरा आपसे सवाल है, उसकी वो जगह तो खाली है ना, ये जो जगह है उस डायरेक्टर की वो तो खाली है ना. फिर अब इस जगह को भरने के लिए नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक अपने को डायरेक्टर चाहिए, इस जगह को भरने के लिए अपने को डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा, लगता है कि नहीं आपको? जैसे हमारे स्कूल में जब हमारा एक क्लास मॉनिटर हुआ करता था, अगर क्लास मॉनिटर एब्सेंट है या उसने स्कूल छोड़ दिया तो नेक्स्ट ईयर तक के लिए या नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ दी मॉनिटर के लिए एक बंदा ऑलरेडी होता था जिसको वाइज मॉनिटर बोलते थे अपन. तो वैसे तुमको नहीं लगता क्या कि अगर एक डायरेक्टर है, अपॉइंटेड है, प्रॉपर है, इंडिया के बाहर नहीं जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मर चुका है, देयर इज अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. व्हाट? देयर इज अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर. आपको नहीं लगता कि वो कैजुअल वैकेंसी भरने के लिए भी एक बंदा लगेगा? लगेगा. उस डायरेक्टर को बोलते हैं जो कैजुअल वैकेंसी भरने के लिए आता है, उस डायरेक्टर को बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर. और ये बंदा नेक्स्ट जनरल मीटिंग तक रहता है. अब नेक्स्ट जनरल मीटिंग में या तो उसको निकाल देंगे या तो उसको क्या करेंगे, अपॉइंट कर लेंगे. यूजुअली रेटिफाई करके उसको अपॉइंट कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो मेंबर था वो तो मर चुका है, तो उसकी जगह पे ये बंदा आया है. बंदा अगर अच्छा है तो कंटिन्यू करेगा, बंदा अगर खराब है तो छोड़ देगा. कोई डिफिकल्ट है? अच्छा, ये बुक में कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. मार्क द वर्ड्स पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी बोला है यहाँ पे, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं हो रही है. प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट कंपनी के किसी टाइप की बात नहीं हो रही है. कंपल्सरीली इट शुड बी अ पब्लिक कंपनी, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड फर्क नहीं पड़ता बिडू. तुम लिस्टेड हो, तुम अनलिस्टेड हो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम पब्लिक कंपनी हो, इफ द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग इज वैकेटेड बिफोर हिज टर्म ऑफ द ऑफिस एक्सपायर्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस. बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द डायरेक्टर का मतलब होता है कि भैया हर डायरेक्टर का एक टेन्योर डिसाइडेड होता है. वो टेन्योर जब खत्म हो जाता है तो बा इज्जत बरी तुम क्या हो जाते हो, जाने के लिए रेडी हो जाते हो कि भैया छोड़ के जा रहे हो. लेकिन वो रीजन ना होते हुए, मतलब तुम्हारा टर्म एक्सपायर हो रहा है इसके लिए अगर तुम जा रहे हो छोड़ के, तो वो अलग बात है. और कोई भी डायरेक्टर का टर्म एनुअल जनरल मीटिंग से एनुअल जनरल मीटिंग पे ही रहता है. लेकिन इसके बीच में अगर ड्यू टू एनी रीजन आपका डायरेक्टर का ऑफिस क्या हो रहा है, वैकेट हो रहा है, रिजल्टिंग इनटू कैजुअल वैकेंसी मे इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशन इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द मीटिंग ऑफ बोर्ड.
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद भरेंगे वो जगह को, एंड विच शैल बी सब्सिक्वेंटली अप्रूव्ड बाय द मेंबर इन द इमीडिएटली नेक्स्ट जनरल मीटिंग. नेक्स्ट जनरल मीटिंग में आप क्या करोगे, उसको रेटिफाई कर दोगे. कौन कर देगा, मेंबर्स कर देंगे. एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डेट टू विच द डायरेक्टर इन हूज प्लेस ही इज अपॉइंटेड वुड हैव हेल्ड इफ इट हैज नॉट बीन वैकेटेड. एनी पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड द ऑफिस ओनली अप टू द डेट टू विच द डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस. अगर नेक्स्ट जनरल मीटिंग में वो डायरेक्टर जो मर गया वो रिटायर ही होने वाला था, तो ये वाला आदमी भी क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा. ये तब तक ही ऑफिस होल्ड करेगा जब तक ओरिजिनल डायरेक्टर जो मर गया है, मिट गया है, उसकी जगह पे जब तुम आए हो तुम तब तक ही सर्व करोगे जब तक उसका ओरिजिनल टेन्योर है. क्लियर हूं मैं, क्लियर हो, कोई डाउट? नहीं. चलिए तो कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के बारे में लिख ले क्या हम लोग, मेरा पेन किधर गया, कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के बारे में लिख ले हम लोग. आ जाइए, व्हेन कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर इज अपॉइंटेड. सॉरी, कंपनी कौन सी है पहले तो वो लिखो, कौन सी कंपनी इसको अप्लीकेबल है ये कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर. कंपनीज है सिर्फ पब्लिक कंपनी, लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों. लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों. फिर उसके बाद में व्हेन इफ filled by board of directors subject to articles of association. Ratified in next general meeting tenure hold office up to the date of expiry of tenure of original director. Yes, चलिए casual vacancy director लिख लीजिए फटाक से. फटाफट लिख लीजिए. क्लियर?
इसी के साथ डिफरेंट क्लासेस ऑफ डायरेक्टर अपन ने खत्म कर दिया, अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास ऑफ डायरेक्टर जिसके अंदर आपने एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के बारे में पढ़ लिया। एक बार फटाक से मैं क्या कर रही हूँ, फुल स्क्रीन कर रही हूँ, आप चाहे तो इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा आपको छोटा छोटा दिखेगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, बट देन दिस इज द एंटायर चार्ट। मैम ये चार्ट आप हमें ऐसे प्रोवाइड कर दीजिए, नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये आपको लिखते आना चाहिए। या तो आप एक व्हाइट पेपर ले लीजिए A4 साइज का, उसको लैंडस्केप मोड में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर? चलिए डन है, दूसरा पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब चलते हैं तीसरे चरण पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्या समझ में आ रहा है आपको हेडिंग से? आप हेडिंग के थोड़ा इंटरप्रिटेशन करिए, मैं तब तक यहां पे लिखती हूँ। क्या समझ में आ रहा है आपको हेडिंग से, बताइए जरा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्या समझ में आ रहा है आपको एक ये हेडिंग से, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। क्या समझ में आ रहा है? अपने को ये तो समझ गया था कि डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कहाँ होता है, जनरल मीटिंग में होता है। अब जनरल मीटिंग में क्या होता है पता है कि आपको, डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है, ठीक है, लेकिन उन डायरेक्टर्स को बुलाया जाता है जिनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में आ जाता है, जिनके पास में कोई हैवी मात्रा के शेयर्स होते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारा सीन होता है। लेकिन व्हाट अबाउट द स्मॉल शेयर होल्डर्स, जिनके पास में छोटी छोटी मात्रा में क्या है, शेयर्स है। होता क्या है मैं आपको बताती हूँ, जनरल मीटिंग का मैं आपको सिनारियो बताती हूँ, एग्जामिन कीजिए कि भैया एक पूरी जनरल मीटिंग है, लोग रखे हुए हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं ना, ये वोटिंग से अपॉइंट होते हैं। मेंबर्स, एक बंदा आता है, से फॉर एग्जांपल एचके है, एचके ऐसे सामने खड़ी होगी, लोग बताएंगे इसको डायरेक्टर अपॉइंट करना है या इसको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना है। सबके पास में वोटिंग पावर्स दी होती है। अब जाहिर सी बात है, जिसके पास में ज्यादा शेयर्स है उसके पास में ज्यादा वोटिंग पावर रहेगी, कॉमन सेंस की बात है ये तो। फिर तो तुम स्पेशल क्लास के शेयर होल्डर्स क्यों ना हो, अगर तुम्हारे पास में ज्यादा शेयर्स है तो तुम्हारे पास में ज्यादा शेयर का वोटिंग पावर होगा। अब जिनके पास ज्यादा वोटिंग पावर होता है वो क्या कर देते हैं, छोटे लोगों को जिनके पास में कम वोटिंग पावर है उनको सप्रेस कर देते, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा वोटिंग पावर है। अगर मेरे को उन्होंने वोट नहीं दिया, मेरे को स्मॉल शेयर होल्डर्स ने भी वोट दिया, तो भैया मैं तो बन ही नहीं सकती डायरेक्टर। क्यों? क्योंकि स्मॉल शेयर होल्डर्स का वोटिंग गिनती में ही नहीं आता, बड़े लोग जब बैठे हैं वहां पे, है कि नहीं। तो भैया ऐसे सिचुएशंस को बचाने के लिए एक रूल आया कि ये जो छोटे छोटे डायरेक्टर्स है ना, इनको भी चांस मिलना चाहिए, इनको भी तो डायरेक्टर अपॉइंट करने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं। ऐसा कंपनी ने बनाया रूल कि भैया हर कंपनी में, हर कंपनी मतलब कुछ आपको स्पेसिफाइड कंपनीज दी गई है, इन कंपनीज के अंदर स्मॉल शेयर होल्डर ने इलेक्ट किए हुए डायरेक्टर रहेंगे ही रहेंगे। क्या रहेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किए हुए डायरेक्टर रहेंगे। मतलब कि क्या रहेंगे, मतलब ऐसा डायरेक्टर जो स्मॉल शेयर होल्डर ने क्या करा है, अपॉइंट करा है। ये कंपनी खुद से भी कर सकती है, या तो ये स्मॉल शेयर होल्डर्स के एप्लीकेशन पे भी कर सकती है। अगर इन्होंने अप्लाई किया ना कंपनी को कि सर देखो हमको हमारा भी बात बोलने के लिए, अब ऑब्वियसली डायरेक्टर के पास जो आदमी बैठा है, डायरेक्टर के पोजीशन पे जो आदमी बैठा है वो शेयर होल्डर्स के बोलने पे काम करता है। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स का कोई ओपिनियन होगा, स्मॉल शेयर होल्डर्स को कुछ काम करना होगा, स्मॉल शेयर होल्डर्स को कुछ एक्सप्लेन करना होगा, पर वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनका कोई डायरेक्टर बचा ही नहीं है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनकी सिचुएशन बताने के लिए। इसीलिए कंपनी या तो खुद से छोटे शेयर होल्डर्स के लिए एक डायरेक्टर रख सकती है, या तो शेयर होल्डर्स खुद क्या कर सकते हैं, कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं कि सर क्या करिए, हमारे लिए एक शेयर होल्डर क्या कर दीजिए, अपॉइंट कर दीजिए। मतलब हम देंगे एक आपको डायरेक्टर, वो
एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। क्लियर? आ जाइए अब इसकी प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपन ये जान लेते हैं, कुछ बातें जान लेते हैं कि ये जो हमारा डायरेक्टर रहने वाला है, ये जो हमारी स्मॉल शेयर होल्डर्स की लिस्ट है और ये जो कंपनी है, ये क्या है? मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स का मीनिंग क्या है, कंपनी में कौन सी कंपनी है जिनको स्मॉल शेयर होल्डर्स का डायरेक्टर रखना है, ये जो डायरेक्टर है ये कौन सी कैपेसिटी में काम करेगा, ये सारी बातें अपन क्या कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। आ जाइए, कंपनी मतलब एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, मार्क द वर्ड, पब्लिक कंपनी नहीं बोला है, एवरी लिस्टेड कंपनी। कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, विच इज लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मे हैव वन डायरेक्टर। कितने डायरेक्टर रहेंगे? एक डायरेक्टर। हर लिस्टेड कंपनी में, हर लिस्टेड कंपनी में एक डायरेक्टर रहेगा, इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स इन सच मैनर एंड सच टर्म्स एंड कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। फर्क नहीं पड़ता, एक डायरेक्टर होना चाहिए लिस्टेड कंपनी में। मैम क्या ये हर लिस्टेड कंपनी में होना चाहिए? नॉट कंपल्सरी, नॉट एवरी लिस्टेड कंपनी शुड हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपनी मर्जी से रख सकते हो, मतलब कंपनी अपनी मर्जी से रख सकता है, या तो अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं आपके पास में कि सर हमको चाहिए, तो रख सकते हो। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट कंपल्सरी। तुम पहले ये बात समझो कि भैया कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑप्शन। अगर स्मॉल शेयर होल्डर्स ने वो ऑप्शन को ऑप्ट कर लिया या कंपनी अपनी मर्जी से करना चाहती है तो कर सकती है, करना चाहती है तो कर सकती है। इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल। ठीक है, नोटिस टू बी फाइल्ड बाय 1000 नहीं, यहां नहीं, स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब समझ लेते हैं अपन, स्मॉल शेयर। पर अभी सबसे पहले क्या करते हैं, कंपनी लिख देते। कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, पर्टिक्युलरली व्हाट लिस्टेड कंपनी। अब अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्मॉल शेयर होल्डर्स के बारे में, कि भैया स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है। अ शेयर होल्डर होल्डिंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000। कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास में 20,000 रुपए से कम के शेयर है, रुपए से कम के शेयर्स है, वो काय की कैटेगरी में आ जाएगा, स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी में आ जाएगा। कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास में 20,000 रुपए से कम के पैसे का शेयर्स है वो क्या बन जाएगा, स्मॉल शेयर होल्डर। क्या बन जाएगा, स्मॉल शेयर होल्डर, और एनी अदर सम एज में भी प्रिस्क्राइब। अगर 20,000 से कोई कम की सम सेंट्रल गवर्नमेंट आगे जाके अगर प्रिस्क्राइब करता है तो वो वाला अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? स्मॉल शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स होल्डिंग शेयर ऑफ वैल्यू मैक्सिमम रुपीज 20,000, अपन यहाँ पे लिख लेंगे 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप कौन सी कैटेगरी में आ जाओगे, स्मॉल शेयर होल्डर्स की कैपेसिटी में आ जाओगे। अब बात करते हैं किसकी, डायरेक्टर्स की, कि ये डायरेक्टर कौन होते हैं। बाकी सारा सब कुछ छोड़ दीजिए, डायरेक्टर क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। सच डायरेक्टर शैल बी कंसिडर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सब्जेक्ट टू हिज एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 149(6) जो बताता है डिस्क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज आईडी, गिविंग अ डिक्लेरेशन ऑफ हिज इंडिपेंडेंस इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 149(7) ऑफ द एक्ट। सेक्शन 149(7) में जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि सर मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। उसके बाद में
उसके बाद में डिस्क्वालिफिकेशन, एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाले डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना, प्लस नॉर्मल डायरेक्टर वाले भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होना। बात को समझो, सबसे पहले अंडर सेक्शन 164 तुम्हारा डिस्क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, फिर देखा जाएगा अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। दोनों भी चीजें तुमने क्या कर देनी चाहिए, पास कर देनी चाहिए टू एक्ट एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। फिर उसके बाद में मैक्सिमम लिमिट वगैरह छोड़ दो, सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन, और भैया वो क्या रहने वाला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहने वाला है। तो ये डायरेक्टर के बारे में अपन क्या लिखेंगे, नॉट टू बी डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, फिर उसके बाद में अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉट टू बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर, नॉट टू बी डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मतलब एज अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6। तीनों की बातें कर ली अपन ने, अब इससे ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं। अब समझते अपन प्रोसीजर, अब क्या समझते अपन प्रोसीजर। प्रोसीजर समझने के पहले एक चीज आप नोट डाउन कर लेंगे, पॉइंट टू बी नोटेड, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज नॉट कंपलसरी। कंपलसरी है क्या, वो नहीं है, मतलब क्या होएगा, अपॉइंटमेंट फिर कैसे होता है, अपॉइंटमेंट या तो लिस्टेड सुओ मोटो, मतलब अपनी मर्जी से लिस्टेड कंपनी खुद करती है, सुओ मोटो बाय लिस्टेड कंपनी, या फिर ऑन एप्लीकेशन बाय सुओ मोटो बाय लिस्टेड कंपनी और एप्लीकेशन बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। क्लियरली क्लियर है ये बात। चलिए अब अपन देख लेते हैं क्या इसकी प्रोसीजर। बस प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ही लिखते, इतना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है अपने को। प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, आ जाइए बुक के अंदर, आ जाइए बुक के अंदर। प्रोसीजर क्या बोलता है, सबसे पहले अगर कंपनी सुओ मोटो नहीं कर रही है, ऑन एप्लीकेशन कर रही है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन एप्लीकेशन बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, तो क्या होगा, स्मॉल शेयर होल्डर्स नोटिस टू बी फाइल्ड। स्मॉल शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, एसएस क्या करेंगे, नोटिस देंगे। अच्छा कितने एसएस लगेंगे आपको, कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स लगेंगे नोटिस करने के लिए,
फाइल्ड बाय 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स. 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स मतलब वो हजार लोग जिनके पास 20,000 से कम की वैल्यू के क्या है शेयर है, 20,000 से कम की वैल्यू के क्या है शेयर है, और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर. या तो 1000 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स, दोनों में से जो भी कम रहेगा ये लोग क्या करने वाले हैं, नोटिस फाइल करने वाले हैं अगर इनको अपनी मर्जी का डायरेक्टर होना तो. इफ दे वांट अपनी मर्जी का डायरेक्टर ऑन दी बोर्ड तो वो क्या करेंगे, नोटिस फाइल करेंगे. कौन नोटिस फाइल करेगा, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स जिनके पास में, 1000 ऐसे लोग जिनके पास में 20,000 से कम की वैल्यू के क्या है शेयर है, या फिर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर. सपोज 100 अपने पास में स्मॉल शेयर होल्डर्स है, उसका 1/10, उसका 1/10 या 1000, विच एवर इज लोअर. हो सकता है एक कंपनी के अंदर 10,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हो, 10,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हो, तो मैम उसका भी 1/10 तो 1000 ही होता है. चलो 20,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स हो, 20,000 ऐसे लोग हैं जिनके पास में जो शेयर है उसकी वैल्यू भी क्या है 20,000 से कम है, तो क्या आप 20,000 शेयर होल्डर्स को लेंगे क्या, नहीं. 20,000 का 1/10 करो, 20,000 का 1/10 कितना होगा, 20,000 का 1/10 कितना होगा, 2,000 होगा. तो 1000 या 2,000 विच एवर इज लोअर, मतलब 1000 शेयर होल्डर्स क्या करने वाले हैं, आपको नोटिस देने वाले हैं. द शेयर होल्डर्स शैल लीव अ नोटिस एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग. जिस दिन आपकी मीटिंग होने वाली है वहां से 14 दिन पहले आपको नोटिस देना है किसको, अंडर देयर सिग्नेचर स्पेसिफाइंग द नेम एड्रेस एंड शेयर हेल्ड एंड फोलियो नंबर ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर एज वेल एज द पर्सन हु इज प्रपोज टू बी द डायरेक्टर. जो भी इंसान डायरेक्टर बनना चाहता है उसकी डिटेल्स और अपनी डिटेल्स, जो इंसान डायरेक्टर उसको बनाना चाहता है दोनों की डिटेल्स आपको वो नोटिस में क्या करनी है, फाइल करनी है, अपनी साइन मारनी है और कंपनी को क्या करना है, देने का है. द नोटिस शैल बी अकंपनीड बाय द स्टेटमेंट साइन बाय द पर्सन प्रपोज टू बी अ डायरेक्टर. उसका डिन होना चाहिए, उसने एक डिक्लेरेशन देना चाहिए दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, और उसने क्या देना चाहिए, कंसेंट देना चाहिए कि मैं रेडी हूं आपका डायरेक्टर बनने के लिए. सेम एज 152 अपना रेगुलर डायरेक्टर भी ये करता है, डिन देता है, डिक्लेरेशन देता है, कंसेंट देता है, तीन ही बातें देता है, अपना भी आदमी, बस वैसे ही है. ठीक है, तो आ जाइए प्रोसीजर में. सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल शेयर होल्डर्स कंपनी को क्या देते, नोटिस देते 14 डेज, नोटिस देते 14 डेज की. नोटिस में क्या रहता, सिग्नेचर एंड डिटेल्स, डिन, डिक्लेरेशन, कंसेंट. ये किसका रहेगा, पर्सन प्रपोज्ड टू बी डायरेक्टर. डिटेल्स किसकी रहती, स्मॉल शेयर होल्डर्स प्लस पर्सन पर्सन प्रपोज्ड टू बी द डायरेक्टर. ठीक है, कितने स्मॉल शेयर होल्डर्स आपके ये करेंगे, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर. 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर. आप क्या कर सकते हो, नोटिस कर सकते हो. किसको नोटिस करना है, कंपनी को नोटिस करना है. कितने दिन की करना है, 14 दिन की करना है. क्या क्या डिटेल्स होना, पहले अपनी डिटेल्स प्लस साइन, जिस इंसान को आप बनाना चाहते हो उसके डिटेल्स, उसका साइन प्लस उसका डिन, डिक्लेरेशन, कंसेंट, ये सारी बातें उसमें आपको देनी है. फिर उसके बाद में कंपनी ने क्या कर दिया, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया कंपनी ने, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया. अब देखते हैं आगे, आगे की बातें पढ़ते हैं. द अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 एक्सेप्ट दैट.
कि आप जो सेक्शन 152 में पढ़ रहे हो वैसा ही आपका टेन्योर रहेगा आगे चल के। अभी 152 में अपन ने क्या पढ़ा, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर सबसेक्शन 1। अभी सबसेक्शन 2 जो है, सेक्शन 152 सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर, कि एक डायरेक्टर कितने टाइम के लिए कंपनी में सर्व करेगा। तो भैया वही इसको यहाँ पे लग जाएगा एक्सेप्ट, कौन सी बातें नहीं लगेगी, सच डायरेक्टर शैल नॉट बी रिटायर बाय रोटेशन, ये रिटायरमेंट के लायक नहीं रहेगा। मतलब जो रिटायरमेंट बाय रोटेशन अभी अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में ही वो चीज अपन पढ़ने वाले, वो इसको एप्लीकेबल नहीं होता। सच डायरेक्टर्स टेन्योर एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इयर्स, 3 साल के लिए आप डायरेक्टर रह सकते हो। ऑन एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ सच डायरेक्टर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, आप वापस से स्मॉल शेयर होल्डर बोल के अपॉइंट नहीं हो सकते हो, आपको ऑफिस खाली करना ही पड़ेगा। वेकेशन ऑफ द ऑफिस, अ पर्सन अपॉइंटेड अ स्मॉल शेयर होल्डर शैल वेकेट द ऑफिस इफ डिस्क्वालिफिकेशंस एज पर सेक्शन 164, अगर आपको कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है एज पर सेक्शन 164, the office of the director becomes vacant in pursuance to section 167. section 167 में vacation of directors के office के बारे में दिया गया है कि कौन से circumstances में आपको अपना office खाली करना पड़ेगा। director ceases to be independent director as per section 149(6). अगर section 149(6) जिसके अंदर सारी qualities of independent director दिया है, अगर आपने उसके अंदर कोई कर्मकांड कर दिया तो आप क्या कर दोगे, अपना office खाली कर दोगे, small shareholder खाली कर देगा। ठीक है, मतलब अभी तक अपन ने क्या बातें समझी, पता है कि आपको जो small shareholder appoint होता है उसके ऊपर सारे सेक्शन 152 के ही एप्लीकेबल होंगे, सारा कुछ 152 का एप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट कि वो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा, 3 साल के लिए काम करेगा और एक बार 3 साल खत्म हो गए तो वो वापस से अपॉइंट नहीं होगा। इन 3 सालों के बीच में अगर वो 164 में डिस्क्वालीफाई हो गया तो वो छोड़ देगा, 167 में उसने कुछ कांड कर दिया तो वो छोड़ देगा, 149(6) में अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो वो क्या करेगा, छोड़ देगा। फिर उसके बाद में लॉक इन पीरियड, अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड shall not for a period of 3 years from the date on which he ceases to hold the office as a small shareholder director in a company be appointed or be associated with such company in any other capacity either directly or indirectly. 3 साल serve करना है, 3 साल serve करने के बाद में 3 साल चुप बैठना है, समझ में आया क्या, 3 साल का रिलेशनशिप 3 साल का ब्रेकअप, फिर से आ जाओ रिलेशनशिप में कोई बड़ी बात नहीं है, पर 3 साल का रिलेशनशिप और 3 साल का ब्रेकअप ही क्या होना चाहिए, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। मैक्सिमम लिमिट, नो पर्सन शैल होल्ड अ पोजीशन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इन मोर देन 2 कंपनीज एट अ सेम टाइम, आप एक टाइम पे 2 से ज्यादा कंपनीज में, मतलब आप एक टाइम पे 2 ही कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो 2 कंपनीज है, however the second company in which he has so be appointed shall not be a business which is competing or in conflict with the business of the first company. दो कंपनी में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकते हो, उसका और एक प्रोविजन दिया गया है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं करने चाहिए। कॉमन सेंस की बात समझो यार, कॉम्पीटिंग बिजनेस रहे तो जहां पे तुम्हारा पर्सनल गेन ज्यादा रहेगा वहां पे तुम क्या करोगे, ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, पर तुम क्या हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। इसीलिए लॉ ही पहले बोलता है कि अगर तुम 2 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, अगर तुम 2 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो तो दोनों भी दे शुड नॉट बी इन द सेम बिजनेस, ये दोनों सेम बिजनेस में नहीं होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, अलग बिजनेस में होना चाहिए, और 2 से ज्यादा कंपनीज में आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनके नहीं रह सकते। क्लियर है, चलिए आ जाइए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। मैक्स 3 इयर्स नॉट एलिजिबल टू बी reappointed, और इसके अलावा lock in period again 3 years का, lock in period कितना रहेगा, 3 years का रहेगा। उसके बाद में आ जाइए vacation of office if
इफ डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164, अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6, अंडर सेक्शन 167। अगर आपको सेक्शन नंबर्स याद नहीं आ रहे होंगे, अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहे होंगे तो छोटे बच्चे के जैसे यहां सामने लिख दीजिए कि दिस टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, दिस टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड दिस टॉक्स अबाउट द सर्कमस्टेंसेस व्हेन द डायरेक्टर शुड वैकेट द ऑफिस, व्हेन द डायरेक्टर शुड वैकेट द ऑफिस। क्लियर हूं मैं? चलिए, मैक्सिमम लिमिट टू कंपनीज एंड दीज टू कंपनीज ठीक है, टू कंपनीज एंड दीज टू कंपनीज शुड नॉट बी इन कॉम्पिटिशन विथ वन अनादर। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? फटाफट से स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ऑन योर स्क्रीन गाइस। ओके, ये बहुत ही बड़ा हो गया है। अगेन आई एम डाउटफुल आपको प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि दिस इज विजिबल। अगर आप फोन वोन में देख रहे हो तो आई थिंक इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू सी दिस। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा रही हूं, मतलब हर चीज को प्रॉपरली कर रही हूं। अगर आप चाहो तो पॉज कर लो और लिख लो। यस, प्रोसीजर प्रोसीजर कुछ इस तरीके से आपको दिखनी चाहिए। आई थिंक प्रोसीजर ही बहुत बड़ी है, देन आपको दिख रही है आई थिंक वो। ठीक है, दिख रही है, आप पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर? यस, लिख लिया? क्लियर? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? रेगुलर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट पढ़ा, स्मॉल शेयर होल्डर सॉरी एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर के बारे में पढ़ा, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ने वाले हैं एक ऑल टुगेदर नया कंसेप्ट जो लाया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जिनके पास में कम मात्रा के शेयर्स है, जिनके पास में कम मात्रा के शेयर्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना चाहिए। लेकिन अब अपन क्या मानने, मालूम है क्या? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? ये ना तो आपका एडिशनल डायरेक्टर है, ना आपका अल्टरनेट डायरेक्टर है, ना आपका नॉमिनी डायरेक्टर है, ना आपका स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है। ये रेगुलर डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट का एक मेथड है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। कंपनी क्या करती है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट करती है क्या अपने डायरेक्टर्स को, डायरेक्टर्स को क्या करती है, अपॉइंट करती है। अब जनरल मीटिंग में क्या होता है, दो तरीके के लोग हो जाते हैं। अगर मैं शेयर होल्डर के बेसिस पे वोटिंग पावर देखूं, मैं बात कर रही हूं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो कि आपके रेगुलर डायरेक्टर है। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंसेप्ट जिसमें शेयर होल्डर के पास में पैसा कम है, 20,000 से कम की वैल्यू। लेकिन यहां पे मैं बात कर रही हूं कि भैया शेयर होल्डर्स आर ओके, उनके पास में पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनके पास मेजॉरिटी शेयर्स है। अब जैसे रिलायंस में जाएंगे तो अंबानी के पास में मेजॉरिटी शेयर्स है, बाकी लोगों के पास में कम है। स्मॉल शेयर होल्डर तो गांव के बाहर का ही आदमी है, उसको तो एक डायरेक्टर दे दो वो जीवन में खुश है। लेकिन जनरल मीटिंग में दो पार्ट में चीजें हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जो मेजॉरिटी इंटरेस्ट वाले होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो क्या होते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले होते हैं। गलत कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब वोटिंग होंगी, जब वोटिंग होंगी, से फॉर एग्जाम्पल एच के इज टू बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर,
ठीक है, मेजोरिटी वालों के पास में सपोज 55% के शेयर्स है और माइनॉरिटी वालों के पास में 45% के शेयर है, कितनी भी कोशिश कर लो बनी, अगर इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, नॉट वोटेड फॉर एचके, और इन्होंने वोटेड फॉर एचके, मेरा तुमसे सवाल है एचके डायरेक्टर बनेगी या नहीं बनेगी? कितना भी ट्राई कर लो बनी, एचके डायरेक्टर बनी नहीं सकती, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी वालों ने क्या नहीं दिया है, मेजोरिटी वालों ने वोट नहीं दिया है। इससे क्या होने लग गया था पता है क्या, कि ये जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले लोग हैं, जिनके पास में होल एंड सोल थोड़ा कम पावर है बाकी लोगों से, तो क्या होने लग गया था, मेजोरिटी विल सप्रेस माइनॉरिटी वाले। मेजोरिटी वाले क्या करने वाले हैं, माइनॉरिटी को क्या करने वाले हैं, सप्रेस करने वाले हैं। मेजोरिटी वाले क्या करने वाले हैं, माइनॉरिटी को सप्रेस करने वाले हैं। तो भैया ये सप्रेशन नहीं होना चाहिए। इसके लिए कंपनी ने बोला, सुनो मेरी बात, शब्दों पे ध्यान दो, एक्ट नहीं बोल रहा है, कंपनीज एक्ट नहीं बोल रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन कंपनी बोल रहा है कि भैया देखो, हमको किसी के साथ में कुछ गलत नहीं करना है जीवन काल में, हमको किसी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को दर्द नहीं देना है, क्योंकि अगर उसने बद्दुआ दे दी तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी में डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करेंगे, और ये आपका कंपनीज एक्ट नहीं बोल रहा है, ये कंपनी का आर्टिकल बोल रहा है। दैट मींस दिस प्रोविजन इज नॉट मैंडेटरी, दिस इज टोटली ऑप्शनल, और ये ऑप्शनल किसके ऊपर है, किसी के एप्लीकेशन करने पर नहीं है, कंपनी के खुद के ऑप्शन पे है। किसके ऑप्शन पे है, कंपनी के खुद के ऑप्शन में, मतलब ये प्रोविजन इज नॉट मैंडेटरी, ऑप्शनल है, बट अगर आपने आर्टिकल्स में डाल दिया कि हमको हमारे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंटमेंट कर सकते हो। मैम हर साल ये अपॉइंटमेंट करनी है क्या, वंस इन थ्री ईयर, हर तीसरे साल में आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से क्या करनी है, अपॉइंटमेंट करनी है। क्या मैम सारे डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से अपॉइंट हो गए क्या, नहीं, ओनली 2/3 विल बी अपॉइंटेड एज पर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सपोज अगर आपको 15 डायरेक्टर अपॉइंट करने, मैक्सिमम लिमिट 15 की है, इसका 2/3 मतलब कि 10 डायरेक्टर आप प्रोपोर्शनल डायरेक्टर्स के मेथड से अपॉइंट कर सकते हो, बचे हुए 5 जैसे नॉर्मल माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला मैटर है उससे कर सकते हो, एटलीस्ट 2/3 बोला है। मैम अगर हमको पूरे के पूरे डायरेक्टर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करने हो तो कर सकते ना भैया, क्योंकि मिनिमम लिमिट बोला है इसने 2/3, मिनिमम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से कितने लोग होने चाहिए, 2/3 होने चाहिए। मैम अभी आपने बोला कि एक्ट में ये कंपलसरी नहीं है, आर्टिकल्स में है। बेटा आर्टिकल्स में तुमको ये अप्लीकेबिलिटी का ऑप्शन है कि तुमको ये चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन होने के बाद में अगर तुमको ये चीज चाहिए तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा, ये तो तुमको एक्ट ही बताएगा ना। तो एक्ट में ये बताया गया है कि भैया वंस इन थ्री ईयर आप अपॉइंटमेंट कैसे करोगे, प्रोपोर्शनल डायरेक्टर मतलब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करोगे, टोटल कितने नंबर्स, 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 2/3 आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करोगे। मैम ये होता कैसे है, ये होता कैसे है, तो ये होता है 2 मेथड से, विच इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और द सिस्टम ऑफ क्यूमुलेटिव वोटिंग। ये अपने आप में एक अलग कैलकुलेशन है, बट गॉड्स ग्रेस आप लोगों को ये कैलकुलेशंस नहीं है, ना आपके मॉड्यूल में कहीं दिख रहे हैं, ना अभी तक एग्जाम में कहीं पूछे गए हैं। तो मेरे को नहीं लगता अगर मॉड्यूल में नहीं है तो जबरदस्ती दिमाग को तान देने का है, बिकॉज अपन क्या कर रहे हैं, अपन सीएमए को टच करके चल रहे हैं। एंड मैंने ये सारा मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रही हूँ, एग्जाम्स देख के, आपकी जो पास्ट वर्कबुक थी उसके अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, आपके स्टडी मटेरियल में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है, ना कोई इलस्ट्रेशन है, ना आपके पास्ट एग्जाम्स में कहीं पे आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि बताओ भैया कौन सी कंपनी को अप्लीकेबल है, तो आपको बोलना है एवरी कंपनी, अगर वो अपने आर्टिकल्स में प्रोवाइड करती है तो अप्लीकेबल है। ओके हर साल करना है क्या, नहीं, वंस इन थ्री ईयर करना है। कितने मैक्सिमम नंबर रहेंगे, 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन रहेंगे। ओके मैम कैसे अपॉइंट होंगे, तो 2 मेथड है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और क्यूमुलेटिव सिस्टम ऑफ वोटिंग। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब हो जाता है, यहाँ पे आपको एक चीज समझ के चलना है कि अपन यूजुअली क्या समझते हैं, 1 शेयर इज इक्वल्स टू 1 वोट, ये अपने को बचपन से सिखाया गया है। लेकिन जब आप सिंगल ट्रांसफरेबल वैल्यू ले रहे हो, जब आप सिंगल ट्रांसफरेबल वैल्यू से जा रहे हो, तब आपके लिए 1 मेंबर इज इक्वल्स टू 1 वोट होता है। 1 member is equals to 1 vote होता है। और यहाँ पे voting कैसे होती है कि अगर 10-15 लोग line में खड़े हैं तो हर इंसान लोगों को preference पे डालता है। Suppose HK, PC और दिशा 3 लोग directorship में हैं। आपको proportional representation से कम 3 ही director करने थे। Sorry,
चार डायरेक्टर करने थे और ऑप्शन में आपके पास में छह डायरेक्टर है, से फॉर एग्जांपल छह लोग है, जैसे हिमांगी, प्रणव, दिशा, रुचि, अंकिता, पूनम, ये छह लोग है। अब ये छह लोगों के लिए आपके जो डायरेक्टर्स है, सॉरी आपके जो शेयर होल्डर्स है, वो क्या देने वाले हैं? प्रेफरेंस देने वाले कि भैया फर्स्ट नंबर पे प्रणव है, सेकंड नंबर पे दिशा है, थर्ड नंबर पे हिमांगी। ऐसा हर इंसान, हर लोग, हर व्यक्ति अपना प्रेफरेंस देने वाला है और उस प्रेफरेंस से दिखा पता चलेगा कि कौन सा एक डायरेक्टर इज मोर एलिजिबल टू बिकम द डायरेक्टर। सपोज अगर प्रणव सर को अगर 200 से 300 डायरेक्टर्स है, 300 के 300 वोट्स उनको अगर कास्ट हो गए कि भैया फर्स्ट प्रेफरेंस पे प्रणव सर चाहिए, तो प्रणव सर क्या हो जाएंगे? डील डन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप निकालते हो एक मिनिमम लिमिट कि भैया जिस इंसान को ये वोट तक का काउंट अगर मिल जाता है, ये वोट तक का काउंट मिल जाता है, तो वो डायरेक्टर बन जाएगा। इसके नीचे का जो वोट है, इसके ये नंबर के नीचे का जो वोट नंबर है, अगर वो मिल रहा है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। वो एक पूरा फॉर्मूला है, बट मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप लोगों को वो नहीं है। आप लोगों को सिर्फ इतना बोला है, अ कैंडिडेट गेट्स इलेक्टेड इफ ही गेट्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट फिक्स्ड एज द कोटा। और वो कोटा कैसे निकलता है? फॉर्मूले से निकलता है। चलो मैं आपको फॉर्मूला भी बताती हूँ। फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड। नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स, बेसिकली अगर मैं आपको ये बोलूं, क्योंकि हमारे पास में वन मेंबर इज इक्वल्स टू वन वोट रहता, तो नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड मतलब नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। आपको जितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं वो उसमें आप क्या कर दोगे? वन को ऐड कर दोगे। मैम वन को ऐड क्यों करना है? क्योंकि लॉ में बोला गया है। ठीक है, इसका टोटल, इसका निकाल लोगे करके इक्वेशन, इसमें ऐड कर दोगे प्लस वन, अगेन प्लस वन ऐड करोगे। मैम ये प्लस वन काट दिया तो हाँ तुम्हारे मार्क्स भी कटेंगे अगर आ गया पेपर में, तो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वोट्स कैंडिडेट शुड गेट टू इलेक्ट एज डायरेक्टर। डायरेक्टर बनने के लिए जितने वोट्स आपको दिख रहे हैं उतने आपको क्या करने पड़ेंगे? वहां पे डालने पड़ेंगे। क्लियर है, समझ में आया? दिस इज कॉल्ड अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वो फिक्स्ड कोटा कैसे निकलता है वो मैंने आपको बताया। कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल करोगे? 161 की, द अबव सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। इन दोनों को भी ये एप्लीकेबल है क्या? नहीं है। समझ में आया? चलिए फटाफट से लिख लेते हैं, आ जाइए फटाफट से लिखेंगे। लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट में लिख लेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है नॉट मैंडेटरी इफ कंपनी विशेस टू अपॉइंट इफ कंपनी विशेस टू अपॉइंट डायरेक्टर इन दिस वे प्रोविजंस टू बी गिवन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। प्रोविजंस शुड बी गिवन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मिनिमम लिमिट कितने अपॉइंट होंगे? एटलीस्ट मतलब कि मिनिमम 2/3 ऑफ टोटल डायरेक्टर्स आपको कैसे अपॉइंट करने हैं? बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ईयर्स वंस इन 3 ईयर्स। हाउ? तो दो तरीके से होएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, मतलब यहां पे आप लिखोगे कैंडिडेट गेट्स अपॉइंटेड
इफ ही अर्नड वोट्स एज पर फिक्स्ड कोटा. और ये फिक्स्ड कोटा क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड अपॉन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड प्लस वन. और इसको कर दो प्लस वन. नंबर ऑफ वोट कास्टेड में वन मेंबर इज इक्वल्स टू वन वोट होता है. तो इसमें नंबर ऑफ वोट टू बी अर्नड टू बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर. डायरेक्टर बनने के लिए कितने वोट्स चाहिए वो आपको इस फॉर्मूले से क्या होंगे पता चल जाएंगे. नॉन एप्लीकेबिलिटी गवर्नमेंट कंपनी और इट्स सब्सिडियरी, इनको ये अप्लीकेबल नहीं होता. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन योर स्क्रीन गाइस. पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे फटाक से. यस, पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए. मैं अभी इसको बंद कर रही हूं. इसी के साथ हमारा सेशन जो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बात करता है यहाँ पे खत्म होता है. हमने बेसिकली तीन तरीके के अपॉइंटमेंट्स पढ़े. एक है अपॉइंटमेंट ऑफ रेगुलर डायरेक्टर, दो तरीके से हो सकता है, जनरल मीटिंग में मेजॉरिटी माइनॉरिटी लगा के, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से. फिर हमने अपॉइंटमेंट पढ़ा एडिशनल अल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी डायरेक्टर का. और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर. समझ है? समझ गया? पूरा प्रोसीजरल पार्ट है, आपको सिर्फ प्रोसीजर समझना है कि कैसे और कहाँ पे इनका क्या होता है अपॉइंटमेंट होता है. इसी के साथ में अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स हमारा आज क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से क्या हो चुका है, डायरेक्टर का इनकमिंग हो चुका है. अगले सेशन में अपन आउटगोइंग पढ़ने वाले, एक तो रिटायरमेंट, रोटेशन और क्या, रेजिग्नेशन. तीन बातें अपन पढ़ने वाले हैं. ठीक है भैया, क्लियर है बात? ओके, मिलते हैं अगले सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.